ओके देखते हैं. नाउ कंपनी ऑडिट वेरी इजी. ये पूरा आईपीसी में शिफ्ट हो गया अभी, तो शिफ्ट करने का एक कारण है बिकॉज ये इजी भी है. ठीक है, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया करके. कल जैसे अपने डिस्कस किया था, काफी अमेंडमेंट्स आए इसमें, एड मार्क्ड, वी हैड मार्क्ड द अमेंडमेंट्स टुगेदर. आज भी मैं बताऊंगा कि अमेंडमेंट है जो कल नहीं आए थे, डोंट वरी अबाउट दैट. क्लियर है? लेट्स सी कंपनी ऑडिट में क्या लिखा यहां पे. पहला, लेट अस डिस्कस दिस पर्सन, टेल मी हु इज एन ऑडिटर. बोल ऑडिटर कौन. खाली बेसिक डिस्कस करते दो मिनट के लिए. बोल जो ऑडिट करता है. अच्छी बात. ड्राइवर कौन, ड्राइवर करता जो. अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. सीए रहना जरूरी है, कंपलसरी सीए रहना, कंपलसरी. अगर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का कोई कोर्स किया जिसमें हम लोग को ऑडिटिंग करने का सिखाते हैं, उन लोग 3 महीने का क्रैश कोर्स. व्हाट डू थिंक, वो सीए नहीं करे. बट उसमें कुछ सर्टन कंपनीज का ऑडिट मिलेगा आपने को, सबका नहीं मिलेगा. तो ऐसा करेगा तो करेगा. बोल कैन दे डू द ऑडिट. 1956 एक्ट में यस था. उसको हम बोलते थे रेस्ट्रिक्टेड स्टेट ऑडिटर. क्या बोलते थे? रेस्ट्रिक्टेड स्टेट ऑडिटर. कंपनी 2013 ने पूरा साफ कर दिया, बोल दिया ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑडिटर्स. ओके नाउ देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर. मैं मानता हूं बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को, बट स्टिल जिनको पता नहीं रहेगा उनको जानना जरूरी है इसके लिए. नमी क्या रहेगा तो बोल क्या कहता है. इंटरनल ऑडिटर कौन होता, कोई बन सकता. कैन रफीक भाई बिकम इंटरनल ऑडिटर 100%? शेयर होल्डर्स एंड इंटरनल ऑर्डर को मैनेजमेंट. स्टैट्यूटरी ऑर्डर रिपोर्ट किसको करेगा, और इंटरनल ऑर्डर किसको रिपोर्ट करेगा, जो अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट करेगा. क्लियर है? खाली बेसिक. इन दिस चैप्टर वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. मेनली क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ठीक है, अभी इनका जो कौन बन सकता है ऑडिटर, ये सब पूरा उन्होंने दिया हुआ है. एक सेक्शन है, सेक्शन 141 करके, पूरा बड़ा सेक्शन है, एक अच्छा सेक्शन है. गाना भी गाएंगे अपना, अच्छा गाना, वो देखते कैसे आएगा. तो आएगा यहाँ पे सेक्शन 141 करके. इन सेक्शन 141 देर आर मेनली 3 सब सेक्शन, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 1 एंड 2 टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है या कौन ऑडिटर बन सकता है, क्वालिफिकेशंस. एंड सबसेक्शन 3 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में. और ये बड़ा है बिकॉज ये सबसेक्शन 3 के अंदर ना यू हैव क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जे ई एफ जी एच आई तक, वहां तक स्प्रेड होएगा. क्लियर है? उसमें भी जो क्लॉज डी है उसके अंदर सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, वो देखते हैं आराम से, ना टेंशन नहीं, इजी है. खाली क्या बता रहना चाहिए कि ये दोनों बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, ये दोनों बात ये बात करता है किसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहना जरूरी. अभी खाली एक सिंपल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. अगर मेरा एक प्रोप्राइटरी फर्म है, इफ आई हैव अ प्रोप्राइटरी फर्म, तो मेरा क्या होना जरूरी है. द मेन पार्टनर शुड बी वॉट, सी ए. मतलब क्या, ओनली सी ए इफ ही इज एन इंडिविजुअल तो ही वो क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है. ही कैन गो फॉर ऑडिटिंग सी ए इन प्रैक्टिस ऑफकोर्स. अगर एक पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो क्या कंडीशन है, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी क्या लिखा है, सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस एंड शुड बी व्हाट, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. ऐसे उन्होंने कंडीशन दिया, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीएस एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, एक ही अटेम्प्ट में, जबरदस्त. उन्होंने फर्म का नाम ही रख दिया रैंक होल्डर सीए फर्म. उनके साथ 4 और पार्टनर्स है, एक लॉयर है, एक एमबीए फाइनेंस, एक एमबीए मार्केटिंग, एमबीए एचआर. कैन दे डू द सीए फर्म का वर्क, कैन दे डू द सीए का वर्क, दे कैन नॉट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट सीएस. क्या बोल रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉट सीएस. आईसीएनएसटी अभी तक इसको टैप किया नहीं है ये बेसिक प्रोविजन को, बट कैन कम, आईसीए कोई भरोसा नहीं है. तो याद रखना मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीएस एंड क्या बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. ये क्वेश्चन का पार्ट भी, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, रैंक होल्डर्स, बाकी 4 लोग, एक है तेरा क्या बोलते हैं लॉयर, बाकी 3 है तेरा एमबीए फाइनेंस, एमबीए एचआर, एमबीए मार्केटिंग, ऐसे 4 लोग हैं. इसमें उन्होंने बोला 2 मोर सीए पार्टनर्स आर जॉइनिंग. क्या बोला, 2 मोर, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में लिखा 2 मोर सीए पार्टनर्स आर जॉइनिंग. नाउ कैन दे टेक अप द सीए प्रैक्टिस वर्क, यस, बिकॉज 5 हो गया और 4 हो गया, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर सीए. पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन,
Will your answer change if the two people who are joining are practicing in UK? Yes. Are practicing in UK. Will your answer change? Yes. Yes, because unlo they are not practicing in India. So, ek hi line ko unlo itna sub question maar sakta na, jiske liye untapped hai. Ye tera basic approach hai. Kya bol raha hu main? I se aayega tera abe only a CA individual rahega to only a CA can be can do the audit work. Auditor ban sakta hai. Partnership firm rahega to majority of the partners should be CAs and they should be practicing in India. लास्ट में डिस्कस करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में. व्हाट इज एलएलपी? व्हाट इज एलएलपी बोल करो. जस्ट लाइक बट इन कंपनी आल्सो द इट इज लिमिटेड ओनली. व्हाई डू यू कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? करेक्ट. पीएसआर आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पार्टनरशिप का पूरा एडवांटेज मिलता है, लेकिन लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है. एंड दूसरा एक एडवांटेज है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट, इंडिविजुअल डेफिनेटली इज नॉट, बट लाइक अ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड मुकेश अंबानी हैव सेपरेट आर सीन सेपरेटली इन द आईज ऑफ लॉ. सिमिलरली एन एलएलपी एंड द पार्टनर्स आर सीन सेपरेटली इन द आईज ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, लॉ. एक सीए फर्म एलएलपी हो सकता है क्या? कैन इट बी एन एलएलपी? आंसर इज येस. तो व्हाट इज द कंडीशन? उसमें खाली लिखा है दैट ओनली द पार्टनर शुड हैव द एबिलिटी टू साइन एंड एक्ट. ओनली अ सीए शुड हैव द एबिलिटी टू, क्या बोल रहा हूं मैं, साइन एंड एक्ट. वही ऑथराइज साइन करने के लिए. मतलब क्या? उसमें मेजोरिटी का कंडीशन डाला नहीं उन लोगों ने. उसमें क्या बोल रहा है? अगर तीन सीए है, बाकी चार लोग तेरा लॉयर है और बाकी एमबीए है और एलएलपी फॉर्म किया उन लोगों ने, कैन दे डू अ सीए प्रैक्टिसिंग वर्क? आंसर इज येस इफ दे आर एन एलएलपी. पार्टनरशिप में रहेगा तो नहीं, एलएलपी रहेगा तो येस दे कैन. लेकिन इन तीनों ही साइन कर सकते हैं. ये तीन क्या बोल रहा हूं मैं, इन लोग तीनों ही साइन कर सकते हैं और कोई साइन कर सकता नहीं है. ओनली दे आर ऑथराइज्ड टू साइन एन एक्ट. सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो ये आएगा तेरा यहां पे आईपीएल याद रखने का. क्या बोल रहा हूं मैं? आईपीएल इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म एलएलपी. क्या बोल रहा हूं मैं? इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म एलएलपी. वो याद है सेक्शन 141 का अपने तीन सबसेक्शन देखा था, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 1 में ये दोनों के बारे में लिखा है, सबसेक्शन 2 के बारे में इसके बारे में लिखा. खत्म तेरा, ये दोनों सबसेक्शन इधर ही खत्म. मान लेते डिस्क्वालिफिकेशन का चालू हो जाता है बड़ा वाला. आराम से पढ़ते हैं, नोट्स पे आ जाते हैं. क्या लिखा यहां पे? एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हियर इन रेफर्ड एज द एक्ट. द मेन प्रोविजंस आर स्टेटेड बिलो. देख क्या लिखा पहले दोस्त. सबसेक्शन 1 में अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ, क्या लिखा पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट. पर्सन के ऊपर लिख देना इंडिविजुअल. पर्सन के ऊपर लिखना पे इंडिविजुअल या बाजू में लिख दे इंडिविजुअल. ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट मे बी नोटेड दैट अ फर्म वेयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ फोरसीड मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म by its firm name to be, क्या लिखा पे, an auditor. Underline करना पे majority of the partners practicing in India. I circle the word firm, मतलब partnership firm. Partnership firm. Easy. आगे. Subsection 2. Where a firm, including a limited liability partnership, is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to sign and act on behalf of the firm. Underline करना. Only the partners who are CAs, chartered accountants, shall be authorized to sign and act on behalf of the firm. On behalf of the firm. Easy. Clear एकदम. No tension at all. इधर तक तो कोई problem नहीं. 141 subsection 1 clear. 141 subsection 2 be easy. Very simple provision. सबके इतना clear यहाँ पे? यहाँ तक कोई issue नहीं. अभी यहाँ पे देखा क्या बोल रहा हूँ मैं. Now we'll start subsection 3 वाला पार्ट. क्लियर है? अभी subsection 3 क्या बोलता है? It talks about the disqualification. और सारे disqualification ये subsection के अंदर नहीं है. For some areas now you have to see a rule 10 करके. तो अपन हर बार इसको क्या बोलेंगे? Section 141 subsection 3 read with rule 10. क्या बोलेंगे अपन? Read with rule 10. So we'll have to read all these things together. और बाद में अपने पता चलता है कि disqualification actually है क्या? ये जाता है A B C D E F G H I तक. तो आराम से समझना, सब सिंपल है, बहुत ईजी है. पहले उन्होंने बोल रहे हैं फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, दैट इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए. क्या बोल रहा हूं? सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए. तो वी आर टॉकिंग अबाउट 141 सबसेक्शन 3 एंड क्लॉज ए. इसमें लोग क्या बोल रहे हैं? अगर एक कंपनी रहेगा,
मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बोल रहा हूं मैं, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा ना तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता. क्या बोल रहा हूं, बॉडी कॉर्पोरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता. टुमारो मुकेश अंबानी फील्स दैट अरे अपन ग्रोसरीज बेचता है रिलायंस फ्रेश के थ्रू, चल रहा अच्छा प्रॉफिट. अरे कपड़ा बेच रहा है रिलायंस ट्रेंड, चल रहा अच्छा. अरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है रिलायंस डिजिटल, चल रहा अच्छा. पेट्रोल बेच रहा है रिलायंस पेट्रोलियम, चल रहा अच्छा. ऐसे सब सब अच्छा चल रहा है. पूरा एक ही इंडस्ट्री टाइप करना रह गया, दैट इज ऑडिटिंग का. क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑडिटिंग का. तो मुकेश अंबानी ने मेहनत किया, चार पाँच साल आए आईयर प्रोफेशनल अकेडमी में, सीए बने और एन क्लियर. वैसे एक बेंच पूरा वो बैठते थे. अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो क्या हुआ कि आए एंड देन ही स्टडीड द सीए कोर्स वेरी नाइसली, बहुत सिंसियरली. जैसे कंपनी मैनेज करते वैसे ही सीए कोर्स बैठा उन्होंने अच्छे से. Became a CA and decided now Reliance Industries Limited will become CA. तो CA का logo और आज में Reliance Industries Limited. इन रुकड़ के बाजू में उनका दुकान. बोल, what do you think? Can he start the CA firm in the name of Reliance Industries Limited? क्या लगता है कुशल? Why not? CA भाई, वो खुद जाके audit करेंगे. बेटे को दे दिया आकाश अंबानी को चलाने के लिए, दोनों बेटे को. एक IPL टीम चलाता है, दूसरा कंपनी चलाता है. What do you think? Why not? अच्छा मुकेश अंबानी एंड एसोसिएट करके डाला तो कर सकता है. बराबर है भाई, ये कारण क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, व्हाई अ बॉडी कॉर्पोरेट, रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा. बराबर है. सी द इफ द लॉ सीज दीज टू पार्टीज आर डिफरेंट नो, एंड अगर ऑडिटर ने एक सही तरीके से काम किया नहीं है, ये नाम किस पे जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे नाम जाएगा कि इन्होंने काम किया बराबर क्या नहीं है. एंड का पनिशमेंट क्या रहेगा, मे बी पेनल्टी, रिव्यू पेनल्टी, लेकिन नुकसान किसका है यहाँ पे, शेयर होल्डर का नुकसान. क्या बोलो, शेयर होल्डर्स का नुकसान. तो उन्होंने क्या बोला है, ऑडिटर ऐसा आदमी होना चाहिए on whom you can blame, मतलब क्या proper blame, मतलब क्या that it should be an individual, a person जिसके ऊपर आप blame कर सकते हो. इसके उन्होंने clearly बोला है कि एक body corporate है ना, वो वहाँ पे auditor auditing नहीं कर सकता है. Easy to understand? देख क्या लिखा हुआ है first. Subsection 3, under subsection 3 of section 141 along with rule 10 of the company's audit 10 auditors rules 2014 herein after referred as CAAR, company's audit 10 auditors rules ko apan bolenge CAAR, the following person shall not be eligible for appointment as an auditor of a company, namely first A, a body corporate other than a limited liability partnership registered under the limited liability partnership act 2008. LLP to of course apan upar dekh liya tha eligible hai. To body corporate mein apan kya manenge, companies ko auditing karna allowed नहीं है. सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर है. ये सिंपल क्लॉज ए, छोटा सा क्लॉज, क्लियर है. क्लॉज बी भी हलवा, ध्यान से देखिए क्लॉज बी में लोग क्या लिख रहे हैं. व्हाट दे आर टेलिंग इन क्लॉज बी इज, कंपनी के हायर ऑफिसर अगर कोई रहेंगे और कंपनी का अगर कोई एम्प्लॉय रहेगा, कंपनी का ऑफिसर रहेगा कोई या कंपनी का अगर कोई एम्प्लॉय रहेगा ना, वो बंदा खुद से कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता. वो बंदा खुद से कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से Yeah, there is a company and let's say Smith is the company's officer. Officer ka apne definition dikha tha dimka karke, director, manager, key managerial person, any person on whose direction the board of directors are accustomed to act. And let's say Gaurav is the employee. So Smith is the officer and Gaurav is the employee. Kyun log auditing nahi kar sakta? CA in practice, mehnat kiya degree 5 saal. Kya lagta? Affects the independence. अरे कंपनी सैलरी दे रहा है उन लोगों को, उनका घर चल रहा है कंपनी के सैलरी की वजह से. और ये मेरे को आगे बोलेगा, अरे सर फ्रॉड है क्या, चोरी तेरे जेब में 5 लाख रुपया कंपनी का. मैं बोलूंगा भाई कल से तेरी नौकरी गई, कल से मत आना करके. तो वो कभी फ्रॉड रिवील ही नहीं करेगा मेरे को. He will never reveal the frauds to me because he'll be scared that his job may go. कहने का मतलब क्या है, he is dependent on me. वो ओपिनियन खुद का शेयर होल्डर्स को खुल के दे नहीं पाएगा. इसके लिए उन्होंने क्या बोल रहे, कंपनी के जो आदमी लोग है, मतलब कंपनी के ऑफिसर्स एट द हायर लेवल, कंपनी के एम्प्लॉयज एट द लोअर लेवल, इन लोग कभी भी ऑडिटिंग कंपनी का नहीं कर सकते हैं. इजी टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर है. इन लोग ने यहां पे रुके नहीं है. ये होगा क्लॉज बी, एक बार क्लॉज सी भी समझ लो, बाने साथ में बढ़ते. ध्यान से सुना क्या बोल रहे हैं उन लोग, क्या बोल रहे हैं यहां पे, अगर बाहर एक फर्म रहेगा, सीए फर्म है, क्या बोल रहे हैं यहां पे, ध्यान सुना, इसमें 4 लेवल है और पढ़ने के लिए सिर्फ एक लाइन, लेकिन 4 इसमें समझना पड़ेगा. एनी पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर, क्या बोल रहा हूं मैं, एनी पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर, क्या बोल रहा हूं, एनी एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एनी पार्टनर ऑफ द एम्प्लॉय, क्या बोल रहा हूं, पार्टनर ऑफ द एम्प्लॉय और लास्ट में एनी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय, क्या बोल रहा हूं मैं, एनी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय, इवन दे के नॉट be auditors. Anyone, they cannot be the auditors. Example, let's say same wala. Smith is the
ऑफिसर गौरव इज द एम्प्लॉय. इनका बाहर एक सीए फॉर्म है, बाहर एक इनका सीए फॉर्म है. सीए फॉर्म है अवदेश. पहले स्मिथ का एग्जांपल लेते हैं. स्मिथ का बाहर एक सीए फॉर्म है एंड अवदेश इज हिज पार्टनर. क्या बोला? अवदेश इज हिज पार्टनर. एस ए सीए फॉर्म से इन्होंने नाम दिया स्मिथ अवदेश. एंड स्मिथ इज एंड अवदेश इज अ पार्टनर. अवदेश कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है. अवदेश क्या बोला? कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है. स्मिथ लेकिन ऑफिसर है. स्मिथ ने बोर्ड को इन्फ्लुएंस किया. एक काम करते हैं, शेयरहोल्डर्स को रिकमेंड करते हैं कि अवदेश को अपन ऑडिटर बना दे. अगर अवदेश ऑडिटिंग करेगा ना, एक तरीके से कौन ऑडिट कर रहा है? इनडायरेक्टली स्मिथ ही ऑडिट कर रहा है. बिकॉज क्या होगा, ये झोल करेगा, वो ऑडिट कर रहा है, ये क्या उसको बोलेगा, काम कर, ये झोल को छोड़ दे और अपन अच्छे से कमाते करके. मतलब क्या टोपी कौन पहनेंगे, किसको पहनाएंगे अपन? शेयर होल्डर्स को. सो व्हाट दे आर टेलिंग इज एनी पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर. क्या बोल रहा हूं मैं, अपने लोग क्लास का एग्जांपल है ना, पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर. क्या बोल रहा हूं? पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर कैन नॉट बिकम द ऑडिटर, कैन नॉट बिकम द ऑडिटर. हितेन इज द एम्प्लॉय इन दैट पार्टनरशिप फर्म. क्या बोल रहा हूं? इज द एम्प्लॉय इन दैट पार्टनरशिप फर्म. सेम प्रैक्टिस है. स्मिथ ने क्या किया, हितेन को बोला एक काम कर, यू टेक अप द ऑडिट. स्मिथ क्या है, उसका बॉस है. किसमें? पार्टनरशिप फर्म में. पार्टनरशिप फर्म में स्मिथ इज वन ऑफ द पार्टनर. स्मिथ इज वन ऑफ द पार्टनर. और उसका एम्प्लॉय कौन है? हितेन है. उसका एम्प्लॉय कौन है? हितेन है. और हितेन को क्या बोला? ऑडिट करने के लिए. वापस ऑडिट कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली स्मिथ ही कर रहा है. स्मिथ ही बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, प्रॉपरली भर भरेगी नहीं, एंड झोल भी करने का अच्छा चांस है. बिकॉज उसी का आदमी क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है. बोल देगा ये सब चेक मत कर, इनर इनविटेशन बोल देंगे, ऑडिट नहीं हुआ इसका करके. तो व्हाट फर्स्ट व्हाट आर टेलिंग इज एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ ऑफिसर कैन नॉट बिकम द ऑडिटर. एनी पार्टनर और एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर कैन नॉट बिकम द ऑडिटर. ऊपर के दो एरो समझा. नेक्स्ट लोग बोल रहे हैं एनी एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय रहेगा, जैसे चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी. चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट अ ऑफिसर. ऑफिसर के डेफिनेशन में तो आता नहीं है. चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, उसका पार्टनर अगर कोई रहेगा, तो झोल करने का वापस चांस है. बिकॉज उसके इशारों पर चलेगा पूरा ऑडिट. तो कहने का मतलब क्या, व्हाट दे आर टेलिंग इज एनी पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय. क्या बोल रहा है? एनी पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर. दूसरा, ये कंपनी में एम्प्लॉय है लेकिन बाहर उसका खुद का सीए फर्म है और हितेन वहां पे एम्प्लॉय है उसका. हितेन उसका एम्प्लॉय है. एन एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय. क्या बोल रहा है? एनी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय इन आवर केस इज व्हाट? गौरव. एंड उसका एम्प्लॉय कौन है? हितेन. एन एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर. क्यों? वापस इसके इशारों पे काम होगा. सो उन्होंने क्लॉज सी में क्या बताया? सिंपल बताया, एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय. क्या बोल रहा हूं मैं? एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. इजी टू अंडरस्टैंड? एबीसी क्लियर है? बी एन सी पढ़ते साथ में, देख क्या लिखा. बी में लिखा एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. मिला एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. सिंपल टू अंडरस्टैंड? क्लियर है? आगे देख क्या लिखा. सी में लिखा A person who is partner or who is in employment of an officer or employee of the company. अपन क्या बोलेंगे? Partner or employee of any officer or employee of the company. क्योंकि उन लोगों सीधा बोल दिया है कि ये आपका auditing नहीं कर सकते है. Section 141, subsection 3, clause C. तो अपन अगर ये डायग्राम एक फिनिश करें, this is your clause A, this becomes your clause B, and this becomes your clause C, A, B, C. सिंपल टू अंडरस्टैंड. डायग्राम आने की जरूरत नहीं है सब, वो पीपीटी में दिया मैंने, टेंशन मत लो. इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यहां तक किसी को डाउट? आगे वाला थोड़ा ट्रिकी आएगा इसके लिए. टेल मी, in LLP act it is written jointly and severally liable. That's why that changes the entire thing. It means because of that line the entire liability shifted to the partners. Hence even though the LLP has a separate legal, it is a separate legal entity, still the partners are jointly and severally liable. Hence that's why LLP has the status and can be an auditor, and these can the body corporate cannot. Are clear? Okay. Let's see clause D. अभी clause D में आजा, अच्छे से देख पहले, समझ clause D कैसा चलता है, how it flows. थोड़ा बड़ा clause है, आराम से मेरे साथ समझना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, इस पे question आ सकता.
आराम से रहना मेरे साथ, वेरी इजी. नाउ इन क्लॉज डी यू हैव दिस पार्ट विच इज योर सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3. तो सेक्शन फ्लो कैसा होगा? सेक्शन 141, सब सेक्शन 3, क्लॉज डी, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3. उसको याद अपन कैसे करेंगे यहां पे? सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 को होल्ड्स का एच पकड़ने का, इंडेटेडनेस का आई एन पकड़ने का, गारंटी का जी पकड़ने का, एंड गारंटी स्लैश सिक्योरिटी भी एक्चुअली. तो अपन क्या बोलेंगे? गारंटी स्लैश सिक्योरिटी, तो जरा एच आई एन जी एस हो जाएगा, हिंग्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे अपन उसको? हिंग्स बोलेंगे अपने लिए. क्लियर है? एच आएगा क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, आई एन आएगा सब क्लॉज 2, एंड जी एस आएगा वहां पर सब क्लॉज 3. क्लियर है? आगे देखते हैं, अभी ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं. हियर यू हैव टू थिंक फ्रॉम थ्री पीपल्स पर्सपेक्टिव. क्लियर है? ध्यान से सुना, थोड़ा ट्रिकी है और तुम लोगों को इंटरकनेक्शन समझ में आना चाहिए. मैं ऑडिटिंग करना चाहता हूँ कंपनी का, मैं कंपनी का ऑडिटिंग करना चाहता हूँ. क्लियर है? मेरा एक सीए फर्म भी है, वहां पे मेरे पास एक पार्टनर भी है. लेट्स से सैम मेरा फ्रेंड, सैम इज अ पार्टनर, सैम इज अ पार्टनर सीए फर्म में, हम लोग साथ में पार्टनर्स हैं. और मेरा रिलेटिव भी है, लेट्स टेक माय फादर, लेट्स टेक माय फादर इज अ रिलेटिव. क्लियर है? तो मैं हुआ ऑडिटर, मतलब हिमसेल्फ हिमसेल्फ, सैम बिकम्स द पार्टनर, सैम बिकम्स द पार्टनर, एंड माय फादर इज द रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर, द रिलेटिव ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू बिकम द ऑडिटर. अभी ये पर्सपेक्टिव से सोचना. अभी फर्स्ट, इफ आई और माय पार्टनर, क्या बोल रहा, आई और माय पार्टनर, इफ वन ऑफ अस इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, क्या बोल रहा हूं मैं, एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, कोई लिमिट दिया नहीं है. मतलब क्या, मैं अगर कंपनी का एक भी शेयर होल्ड कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, एक भी शेयर होल्ड कर रहा हूं ना, आई कैन नॉट डू द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी. क्या बोल रहा हूं? आई कैन नॉट डू द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी. तो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना. इफ हिमसेल्फ और पार्टनर holds security or interest in, ध्यान सुनो, in which, in the company or the associate company or the subsidiary company or the holding company or the subsidiary of such holding company, क्या बोला, subsidiary of such holding company, the company उसका more than 20% किसी में hold कर रहा हो तो associate company, मेरी कंपनी का होल्डिंग कंपनी, मेरी कंपनी का सब्सिडरी, और होल्डिंग कंपनी का अगर एक और सब्सिडरी रहेगा तो अपन इसको बोलेंगे सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, क्या बोले, सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. तो जरा कैशेस कैसे आएगा मेरे साथ सुनना, कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. इजी टू अंडरस्टैंड? सो व्हेनेवर यू राइट कैशेस यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई और माय पार्टनर कैन नॉट बिकम द ऑडिटर, कैन नॉट बिकम द ऑडिटर इफ वन ऑफ अस इज होल्डिंग the security or interest in the company or the associate company or the subsidiary company or the holding company or subsidiary of such holding company. Q. What is the reason? What is the reason? How can I influence? Like, if I'm holding 10 shares of Reliance, how am I influencing Reliance? Just because I'm a shareholder, I cannot influence everything, no? But क्या है, मैंने शेयर लिया रिलायंस का, 1000 शेयर्स लिया मैंने रिलायंस का, रिलायंस का प्राइस अभी 960,000 तक कुछ है, तो यहाँ पे अपन 1000 पकड़ते हैं, तो बेसिकली मेरे पास कितना है, 10 लाख है. कितना है? 10 लाख है. 10 लाख होल्डिंग है मेरा रिलायंस के अंदर, और 10 लाख होल्डिंग, बहुत मेहनत की कमाई मैंने इन्वेस्ट किया रिलायंस में, लोगों ने बोला रिलायंस अच्छी कंपनी, मैंने इन्वेस्ट किया और रिलायंस का ऑडिट आया. क्लियर है? सपोज अगर अलाउड होता तो मैं रिलायंस का ऑडिट उठा रहा हूँ, मैं खुद ऑडिटर जो 10 लाख शेयर्स वर्थ ऑफ रिलायंस होल्ड कर रहा है, और मैं यहां पे ऑडिटिंग कर रहा हूं, देखा आकाश अंबानी ने पैसा खाया, नीता अंबानी ने पैसा खाया, मुकेश अंबानी ने पैसा खाया, सब लोग पैसा खा के बैठे यहां पे, शेयर होल्डर का पैसा 5 लाख उधर, 5 लाख इधर, 5 लाख उधर, सब आईपीएल की टीम में, आदित्य तारे को खरीदा बैटिंग के लिए, 5 लाख देखे कहां से, शेयर होल्डर के पैसे से. मैं बोला अरे झोल 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 पूरा झोल. मैं रिपोर्ट किया ऑडिटर्स रिपोर्ट में, बाहर गया मार्केट में, रिलायंस का प्राइस गया, फ्रॉड इन रिलायंस. कितना हुआ? 1000 का प्राइस गिरा कितने में? 10 रुपए में. कितना हुआ? 10 रुपए में. मैं सर पकड़ा खुद का. क्यों? मेरा होल्डिंग कितना हुआ? 10 लाख का. कितना हुआ मेरा होल्डिंग? 10,000. खत्म, मैटर ओवर, मेहनत की कमाई गॉन. तो ऑडिटर कभी फ्रॉड रिपोर्ट करेगा ही नहीं, उसका खुद का इंटरेस्ट लगा उसमें. क्या हो रहा है? उसका खुद का इंटरेस्ट लगा उसमें. तो उन्होंने सीधा बोल दिया, इफ हिमसेल्फ और पार्टनर, क्या लिखा, इफ हिमसेल्फ और पार्टनर होल्ड्स एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश एस कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग, और क्या बोल रहा हूं मैं, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग. तो ये सीधा उन्होंने क्या कर दिया यहां पे, मना, सीधा क्रॉस, नॉट अलाउड एट ऑल. क्या बोल रहा, नॉट अलाउड एट ऑल. सो माय फादर इज देयर एंड ही हैज इन्वेस्टेड हिज लाइफ अर्निंग्स इन रिलायंस. वो कहता है यार रिलायंस में इन्वेस्ट करता है, अच्छा कंपनी है,
रिलायंस एंड टाटा में उन्होंने इन्वेस्ट किया, बोले चल एक एथिकल कंपनी दूसरा अनएथिकल कंपनी, बैलेंस हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, अब मेरे कौन सा कंपनी एथिकल अनएथिकल, बोला तुमने अज्यूम मारा। तो मैंने क्या किया वहां पे, माय फादर इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन रिलायंस लेट्स से एंड टाटा, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू द ऑडिट ऑफ रिलायंस। ऑडिट करने का मौका मिला, मैं घर पे आके खुश पेड़ी वेड़ी दी, अरे रिलायंस ऑडिट मिला, कल सीए बना, आज ऑडिट मिल गया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो दे गिव मी द ऑडिट, एंड नाउ व्हाट इज द इश्यू इज दैट मैं देखा कि अगर एक्ट में अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता कि इफ योर रिलेटिव इज होल्डिंग द शेयर्स नो देन यू कैन नॉट डू द ऑडिट, तो बुरी बात होगी, घर पे झगड़ा हो गया अभी। क्यों? ही बिलीव्स इन दैट कंपनी, उन्होंने पूरा अपना एनालिसिस किया इन्वेस्टमेंट का कि ऐसे ऐसे ये कंपनी अच्छा करेगा करके, और उन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा। ही हिज होल्डिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, हिज होल्डिंग इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रूथफुलनेस कि ये कंपनी अच्छा करेगा करके, अच्छे से एनालाइज करके उन्होंने इन्वेस्ट किया। अगर वो इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो मैं ऑडिटिंग नहीं कर सकता, अगर मैं ऑडिटिंग करना चाहता हूं तो उनको इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। वॉर एट होम, वॉर एट क्या बोल रहा है होम, क्या करेगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस एक्ट ना, बहुत अच्छे से सोचा और ड्राफ्टमैन ने अच्छा बनाया। उन्होंने क्या बोला, उनको भी इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे और तू भी ऑडिट कर, उनको भी इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे और तू भी ऑडिट कर। ही कैन होल्ड अप टू फेस वैल्यू 1 लाख, क्या बोल रहा हूं मैं, फेस वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू तो ऊपर नीचे जाएगा, फेस वैल्यू 1 लाख। And at the time of appointment, if he is holding more than 1 lakh face value, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, if more than 1 lakh face value, then he has to take corrective action. क्या बोल रहा हूं मैं, corrective action within 60 days. 60 दिन के अंदर उनको अपने कुछ शेयर्स बेचने पड़ेंगे ताकि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना आएगा वह 1 lakh तक। Suppose for example he is holding 2 lakh face value worth of shares, 2 lakhs. और मैं auditing करने जा रहा हूं, मैं जा सकता हूं, I can still continue, I can go and do the audit. But he will have to sell the shares and bring it up to face value 1 lakh within 60 days so that I can continue doing the audit. If he doesn't bring that face value down, then after 60 days I am disqualified to become an auditor. समझ में आ रहा है? Clear? Exam question आएगा, relative is holding more than face value 1 lakh. Can I still go and do the audit? Answer is yes, you can. Yes, you can. But within 60 days, he has to take what corrective action. And after 61st day, pe, if he has not reduced his face value up to 1 lakh, then I have to get out as the auditor. Samajh mein aa raha hai yahan pe? Easy to understand. Ye apan kiske bare mein dekh rahe hai? Himself, partner, ya relative? Relative matlab kaun? Chacha, mama, sab aate kya? Aate? Relative matlab kaun? Bol Adesh. Relative matlab kaun? Who is a relative? मेरे लिए उसे रिलेटिव स्पाउस, बच्चे, फिर पेरेंट्स, असेंडेंट डिसेंडेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, पर दादा ओनली पेरेंट्स ओनली चिल्ड्रन, ठीक है, बहू चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस आर इंक्लूडेड, व्हाट अबाउट ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो नॉट देयर स्पाउस, ठीक है, यू आर राइट, याद कैसे रखने का हलवा तरीका, अपने फादर थे, अपने मदर थे, फादर मदर का शादी हुआ रहेगा, यहाँ पे अपन पैदा हुए, यहाँ पे तेरा भाई पैदा हो गया रहेगा, यहाँ पे बहन पैदा हो गई रहेगी, तू और बड़ा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तेरा शादी हो गया रहेगा कहीं, तो शादी का थोड़े टाइम के बाद तेरा यहाँ पे बच्चा हुआ, सन हुआ, मान लो ट्विन हुआ, सोच ले जगह का मैं लिखने के लिए, डॉटर हुआ, क्या बोल रहा हूँ मैं, डॉटर हुआ, सन का बाद में फ्यूचर में क्या हो गया रहेगा, शादी हुआ रहेगा, सो सन का आएगा रहेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सन्स वाइफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सन्स वाइफ, आज के जमाने में सन्स हस्बैंड वही चलता, अभी डॉटर का क्या आएगा, डॉटर्स हस्बैंड, क्या बोल रहा हूँ मैं, डॉटर्स हस्बैंड, इन लोग भी आएंगे, क्लियर है, दीज आर योर रिलेटिव्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, दीज आर योर रिलेटिव, फैमिली ट्री पकड़ने का आराम से याद रहता, फादर मदर, अपन पैदा हुआ, अपन खुद का रिलेटिव नहीं हो सकता, फादर मदर, अपन पैदा हुआ, ब्रदर सिस्टर स्पाउस, योर सन डॉटर, सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड, सन्स वाइफ डॉटर हस्बैंड, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दे हैव रिटन वन मोर थिंग एंड दैट इज कॉल्ड स्टेप, स्टेप फादर स्टेप मदर इंक्लूडेड है कि नहीं, ध्यान से सुनना, स्टेप किसके लिए है, स्टेप फादर आएगा, स्टेप मदर आएगा, स्टेप ब्रदर आएगा, स्टेप सिस्टर आएगा, स्टेप स्पाउस का चीज नहीं होता, स्टेप स्पाउस मतलब अमेरिकन सोसाइटी नहीं आएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, आगे नहीं आएगा, अभी आंसर सुन, स्टेप सन आएगा, स्टेप सन वाइफ भी नहीं होता, क्लियर है, स्टेप डॉटर नहीं दिया, स्टेप डॉटर नहीं दिया, सो टू रिमेंबर व्हाट व्हेन यू से हु इज अ रिलेटिव, यू हैव टू टेक इट एज, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं मैं, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर,
brother including step brother, sister including step sister, spouse, son including step son, son's wife, daughter, daughter's husband. आ जाएगा ये clear है? These are your relatives. इसके लिए ना कि वो सन के साथ रिलेटेड है ना तो उसका स्टेप वाइफ नहीं आ सकता. स्टेप वाइफ मतलब स्टेप सन का वाइफ. हाँ हाँ स्टेप सन का वाइफ होगा ना. हाँ तो दैट कैन बी टेकन. तो सन इंक्लूडिंग स्टेप सन तो आई गया वो स्टेप सन और उसका वाइफ इंक्लूड हो गया. इंक्लूड हो गया. इजी टू अंडरस्टैंड ये क्लियर है. बाद में कॉपी करने देता हूं मैं. लेकिन ये समझा रिलेटिव मतलब कौन अभी क्लियर है. सो रिलेटिव ऑलवेज देयर विल बी नो कंफ्यूजन. कंपनीज एक्ट रिलेटिव डिफाइन करता है एंड इट इज नॉट गिवन इन कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन जो लिया है इट टेक्स यू टू अनदर रूल दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन रूल्स. उसमें रूल 4 करके एक है वो रूल 4 में इनका नाम लिखा है. क्लियर है तो वहां पे दिया हुआ है. ठीक है लेट्स सी देख क्या लिखा वहां पे. बोला दे डोंट Always in Big Four also, no? When the audit team goes, so you have to sign a declaration of independence. वो देना पड़ता कि मैं independent हूँ या नहीं है. And only then you are sent. And there you have to write truthfully. It will come. That is, you cannot do because the team that is going there, no, has interest. So what, उन लोगों का separate independence एक rule रहता. In audit also, no, you have a सेपरेट सेक्शन को क्वालिटी कंट्रोल ऐसे 200 करके. हाँ इन विच दैट इंडिपेंडेंस क्लॉज इज वेरी मच रिक्वायर्ड. क्लियर है देखा लिखा ऐसे 220 सॉरी देखा लिखा वहां पर. कम टू योर क्लॉज डी देखा लिखा वहां पर नोट्स में. अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर क्या लिखा. पर्सन अनलाइन करना पर्सन निकिता पे अटेंशन. पर्सन अनलाइन द वर्ड पर्सन. A person who or his relative or partner, आराम से कर, is holding any security of or interest in the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company. क्या मिला देखो कैश एस मिला. क्या मिला देखो वहां पे कैश एस. कंपनी associate subsidiary holding subsidiary of such holding. आगे देखिए क्या लिखा. इट मे बी नोटेड दैट द रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 lakh. इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द कंडीशन ऑफ 1 lakh शाल वेर एवर रेलिवेंट बी ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और क्या लिखा अदर सिक्योरिटीज. आगे इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय अ रिलेटिव अबाउ द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब. ऑनलाइन करना थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब ऊपर लिखना वहां पे फेस वैल्यू 1 lakh. The corrective action to maintain the limits as specified above shall be taken by the auditor within 60 days of such acquisition or क्या लिखा यहाँ पे interest of such acquisition or interest. Clear है? One more way the question can be drafted. You have to be very careful. If I am already doing an audit in the company and my sister is now holding let's say face value of 150,000 in that same company, then acquisition हो गया. Acquisition से फिर आपको 60 days गिनना है. 60 days के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा shares को बेचना पड़ेगा और face value 1 lakh को लेकर आना पड़ेगा. Easy to understand? Clear है. वो case study को अच्छे से analyze कर. आगे बोला. कंपनी हाँ तो नहीं होगा. चलो चलता उसमें 2 lakh भी रहेगा तो भी चलेगा. एसोसिएट में रिलायंस के सब्सिडियरी में माय फादर इज इन्वेस्टिंग तो चलेगा. इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं उसमें अप टू 1 lakh होना चलेगा. द फॉलोइंग पॉइंट्स यू कैन सेबी पकड़ेगा ना. सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग में आएगा. ये इंसाइडर ट्रेडिंग आएगा ना 25 करोड़ का देखो लॉस होएगा. 25 करोड़ का पेनल्टी मिनिमम है और 3 times the amount of profit made whichever is higher that will be the penalty. इसको अपन बोलते हैं इंसाइडर ट्रेडिंग. इट इज कॉल्ड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. या बाहर दे रहे हो जो बाकी की मार्केट में किसी के पास नहीं है तो अटकोगे. अभी तक इंडिया में इतना
स्ट्रिक्टली सेबी उसको डालता नहीं इनसाइडर ट्रेडिंग को. यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन करके गया, उन्होंने बहुत लोगों को जेल के अंदर डाला है फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग एसईसी. तो इसके लिए इंडिया में तक नहीं हुआ है, तो अभी तो कर सकता है. कुछ साल बाद अगर वो एप्लीकेबल हो गया ना फिर बैंड है. ऐसा यू कैन राइट नाउ बट इट इज इलीगल. आई जस्ट वांट टू टेल दैट. You cannot trade in those securities. You can trade, but you cannot reveal information that is not available in the market. ऐसे नहीं होता. सेबी विल नॉट कम टू नो. नहीं, इंक्वायरी बिठाएंगे ना और पुलिस दो दिन फटका मारता ना आदमी को तो सब निकलता बाहर. ऐसा नहीं. वॉट यू थिंक लोग चोरी को ऐसे एडमिट कर देगा? वो इंक्वायरी होता है ना, इंक्वायरी दैट इंक्वायरी सब निकलता बाहर. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में पुट यू इन अ डार्क रूम एंड ऐसा इन्वेस्टिगेशन ग्रिलिंग होता है. यू हैव टू रिवील एवरीथिंग. It is not as a, I always get this question. Sir, insider trading हुआ तो पता कैसे चलेगा? उन लोग क्या जो investigator बैठे हैं, उन लोग का time pass के लिए बैठे हैं. They are professionally qualified to understand the psyche of a person कि ये कभी reveal करने वाला है, कभी क्या करने वाला है, उनका emotional state क्या है. वैसे psychological experts देखते हैं कि when are you going to reveal, all these conditions are seen. तो निकलवाते हैं उन लोग सब. Try कर. नहीं, सबका मिला क्या? और रिलेटिव टुगेदर, और रिलेटिव टुगेदर. यस यस. नहीं तो धमाल मस्ती हो जाएगा रे. निकालेगा आगे. ये प्रॉपर झोल वाला थिंकिंग है सच्ची. ये वाला कि देख क्या लिखा. इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय रिलेटिव अबाउट द थ्रेशोल्ड द करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन. अपने पढ़ लिया है विद इन 60 डेज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट. आगे द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड. द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख दैट कैन बी वो होल्ड को हेल्ड कर दे प्लीज. हेल्ड बाय रिलेटिव इज द फेस वैल्यू नॉट द मार्केट वैल्यू. ये अपने पहले क्लैरिफिकेशन दे दिया था. आगे द लिमिट ऑफ 1 लाख वुड बी एप्लीकेबल वेयर द सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय द रिलेटिव ऑफ एन ऑडिटर एंड वेयर एंड नॉट वेयर द सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय एन ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज पार्टनर. इन केस ऑफ एन ऑडिटर और हिज पार्टनर सिक्योरिटीज ऑफ इवन अ स्मॉल वैल्यू शैल बी अ क्या लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन. दिस वी हैड सीन अर्लियर आल्सो. लास्ट में A grace period of 60 days for corrective action shall apply only in respect of securities held by relative. This would not apply to auditor or his partner. The relative as defined in Companies Act 2013 means anyone who is related to another as members of Hindu undivided family, HUF, so all members of HUF, including the Karta, of course. Husband and wife, father including stepfather, mother including stepmother, son including stepson, son's wife, daughter, daughter's husband, brother including stepbrother and sister including stepsister. Exactly what we had seen. Usma. Easy? Clear? आगे एक काम कर. वहां पे जहां पे अपने रिलेटिव पढ़ा ना पहले वहां पे इसको कॉपी कर दे. ये कॉपी कर दे. इट इज गुड दैट वी आर डूइंग इट इन द बिगिनिंग ऑफ द लॉ बैच इटसेल्फ. ये वाला चीज वो बहुत जगह आएगा रिलेटिव. यस थ्रू आउट कंपनी कंपनीज एक्ट बिकॉज इट इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट इन द डेफिनेशनल सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट. इट डजंट अप्लाई टू स्टेप डॉटर. No. They don't forget. They don't forget. Patriarchal society, galat thinking. They are lawmakers of India. They don't forget. Kya Rishab, padhai ho raha hai ki nahi ho raha hai? लिख रहा है कि नहीं लिख रहा आज कैसे चलेगा तो पढ़ के तो टेंशन है. पढ़ टेस्ट सीरीज अच्छे से निकल जाते अपने स्टूडेंट्स. टेस्ट सीरीज देते हैं अच्छे से सिंसियरली तो रोज का पढ़ाई होता है तो अच्छे से निकल जाता है. अगर करेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आएगा तो हो जाएगा. बोलना डाउट डिस्क्वालिफिकेशन में कहीं भी आर यू होल्डिंग अ पोजिशन इन द कंपनी. वॉट आर यू इन द कंपनी. नहीं तो दैट विल चेंज एवरीथिंग. देर इज अ क्लॉज एफ विच विल कंपनी दैट इज रिलेटिव. तो द रिलेटिव इन द कंपनी जो ऑडिटर बन रहा है उसका रिलेटिव इन द कंपनी वो क्लॉज एफ आने दे. समझाता तेरे को मैं. अच्छा पॉइंट है. आई टेल यू दैट. ठीक है लिखा. कम टू योर
सब क्लॉज टू देख क्या लिखा है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 2 देख क्या लिखा, एग्जाम में पूरा सब क्लॉज क्या लिखना, इजी वाला पार्ट है सब क्लॉज लिखने के लिए, देख क्या लिखा है, इज इनडेटेड टू द कंपनी और इट सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ क्या लिखा है 5 लाख, क्लियरली दिया है 5 लाख के ऊपर अगर इनडेटेडनेस रहेगा ना देन इट इज डिस्क्वालिफाइड, मतलब 5 लाख तक का लोन में ले सकता हूं कंपनी से, उसके ऊपर अगर मैं लोन ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं या मेरा पार्टनर ले रहा है या मेरा कोई रिलेटिव ले रहा है ना, तो मैं ऑडिटिंग नहीं कर सकता, कारण क्या वापस, व्हाट इज द रीजन व्हाई नॉट मोर देन 5 लाख, इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा कैसे, सो माय फादर हैज टेकन लोन फ्रॉम द कंपनी एंड ही हैज टेकन लोन ऑफ से 8 लाख फ्रॉम द कंपनी और मैं गया वहां पे वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास फ्रॉड का केस लगे, भाई तूने 5 लाख चोरी किया लोगों का, 5 करोड़ चोरी किया लोगों का तूने, ये क्या किया तूने, सोचा तेरा डैड का वो बाकी पता है लोन उनको पे करने बोला बाद में आना करके, दबा देगा मेरे को, मतलब क्या आई विल बी इन अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ दैट पर्सन बिकॉज माई फादर हैज टेकन लोन, तो ऑडिटर का जो बोलने का एबिलिटी है द इंडिपेंडेंस विल बी वॉट गॉन, तो लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे, दे आर टेलिंग दैट इंडिपेंडेंस मोर देन 5 लाख रहेगा, इंडिपेंडेंस टू कैश मतलब क्या आई हैव टू पे कैश, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम कैश, तो क्या होगा नॉट अलाउड फॉर देम ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर देम ऑल्सो, तो रिलेटिव भी इंडेटेड नहीं हो सकता है, मैं या मेरा पार्टनर भी इंडेटेडनेस नहीं झेल सकता है, क्लियर है, अप टू 5 लाख ना याद रखना, ग्रेटर देन 5 लाख, सो अप टू 5 लाख चलेगा, अप टू 5 लाख में लोन ले रहा हूं कंपनी से चलेगा, दे आर नॉट टेलिंग दैट इज सच अ बिग लायबिलिटी, क्लियर है, बोल कोई डाउट था किसी ने हाथ ऊपर किया, बोल या करेक्ट करेक्ट यस वो अनलाइन कर रहा हूं इन योर पॉइंट नंबर इट्स अ गुड पॉइंट पॉइंट नंबर डी में पॉइंट नंबर डी के नीचे लिखा है इट मे बी नोटेड रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी इट मे बी नोटेड जो लिखा है वहां पे डी के नीचे फोर्थ या फिफ्थ लाइन है वो इन द कंपनी और इन द कंपनी को सरल कर और खाली ऊपर लिख देना नॉट कैश एस नहीं इंडेड के लिए नहीं दिया इंडेडनेस में चार्ज आता था ना चार्ज ऑफ इंटरेस्ट आता था इंडेडनेस में को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो दैट चेंजेस एवरीथिंग सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं आता तो दैट चेंजेस एवरीथिंग ठीक है तो कोई भी आदमी ऐसे ही इंडेडनेस लेगा नहीं उसको पता है कि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज द ऑडिटर विल हैव टू टेल द शेयर होल्डर्स कि इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा ऐसे आसान नहीं है रिलेटिव को इन्फ्लुएंस करना कि ले लेने के लिए उतना और सब्सिडरी नॉट नेसेसरी दैट सब्सिडरी विल बी एज गुड एज अ होल्डिंग कंपनी ठीक है क्लैरिफिकेशन की डाउट है बोल हाँ लेना कोई प्रॉब्लम इजी देख क्या लिखा है अभी आगे लेट सी सब क्लॉज 3 में देख क्या लिखा है इज इंडेटेड टू द कंपनी और इट सब्सिडरी अपन ने 2 में पढ़ लिया 3 में देख क्या लिखा गारंटी सिक्योरिटी का दैट इज 3 में हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी क्या लिखा हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी ऊपर खाली गारंटी सिक्योरिटी के ऊपर खाली लिख देना ये मेरे लास्ट बैच में डाउट आया था इसके लिए आई एम क्लैरिफाइंग दैट बिफोर ओनली एरो मार्क लिखना हियर गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर लिखना वहां पे हियर द गारंटी और सिक्योरिटी गिवन बाय द हियर द गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन बाय द ऑडिटर / पार्टनर और रिलेटिव ध्यान सुना इसका एग्जांपल नाउ टू टेक दिस एकदम कामली एंड लिसन टू दिस एग्जांपल वेरी केयरफुल उधर लिखा है लेट अस रीड द एंटायर थिंग देन वी गो अहेड देख क्या लिखा है प्रोवाइड अ गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इनडेटेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग वही आ गया तेरा कैशेस इन एक्सेस ऑफ क्या लिखा है दोस्त 1 लाख क्या लिखा है 1 लाख अभी ध्यान सुन क्या बोल रहा हूं मैं
एक बार सुनना क्या बोल रहा हूं. सपोज इफ माय ब्रदर इज इन इज द क्या बोलते हैं इज वन ऑफ द पर्सन हु इज जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड, नॉर्मली चल रहा है, और उसने रोड पे देखा कि मिस्टर ए करके क्या बहुत दुखी बैठा है, बहुत दुखी कि क्या हो गया, ये वो पैसा नहीं है, ये वो करके बोल रहा है. तो मिस्टर ए ने क्या बोला कि मेरे भाई को कि अरे सुनना, तेरा मेरे को एक कंपनी से लोन चाहिए, कंपनी लोन दे रहा नहीं है करके. तो मेरा भाई का दिल बहुत बड़ा, वो रैंडम पर्सन है और रोड पे ऐसे मिल गया करके, उसको वो रो रहा था. तो उसने खाली पूछा कि क्यों रो रहा है भाई, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या. तो मेरे भाई ने जाके ना वो कंपनी से आके बात किया, और मेरा भाई पूरा सूट वूट पहन के गया एकदम, वो बट वाला आदमी है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन. वो क्या किया, वो गया वहां पे और कंपनी में आके बात किया कि इसको लोन दे दो, डोंट वरी आई विल गिव यू द गारंटी, अगर ये पैसा नहीं देगा ना तो मैं दूंगा. क्या बोला, ये पैसा नहीं देगा ना मैं दूंगा. मेरा भाई ब्रदर इज कवर्ड इन रिलेटिव, ब्रदर इज कवर्ड इन रिलेटिव. मैं वही कंपनी का ऑडिटिंग करने जा रहा हूं. क्या बोला, मैं वही कंपनी का ऑडिटिंग करने जा रहा हूं एंड माई ब्रदर हैज गिवन अ गारंटी फॉर अ थर्ड पर्सन. क्या बोला, फॉर अ थर्ड पर्सन. कितने का, लेट्स से एन अमाउंट इज 5 लाख, 3 लाख पकड़, अमाउंट कितना है 3 लाख, इज एक्सीडिंग 1 लाख. Yes. Can I do the auditing work? No. कारण क्या? Because I am going to do the audit of a company where the relative has given a guarantee for a third person. For a क्या बोल रहा हूं मैं? Third person. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Clear है? तो यहां पे तुम लोगों को मैं why I am giving this example. You should not see कि loan किसको दिया गया है. You should see कि guarantee किसने दिया है. क्या बोल रहा हूं मैं? Guarantee किसने दिया है? क्या बोल रहा हूं मैं? Guarantee security किसने दिया है? In this case, guarantee or security has been given if it is given either by the auditor himself or his relative or his partner. You know, तीनों में से किसने भी दिया रहेगा ना. And if it is exceeding 1 lakh, then the auditor cannot do the audit of that company. Complicated case, ICI में आ सकता है. बहुत complicated हो जाएगा इसमें, बहुत को पता भी नहीं रहता. ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूँ मैं. There is a company. ध्यान से सुनना. Let's say ये अपन लोग अपन है. ये अपना एक कंपनी है. यहाँ पे ये कंपनी का एक होल्डिंग कंपनी है और वो होल्डिंग का कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है. सब्सिडरी कंपनी मैं लिख रहा हूँ SHO, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी. यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है. क्लियर है? अपने को ना ये कंपनी से ऑफर मिला ऑडिटिंग करने का. क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कंपनी से अपने को ऑफर आया. क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑडिटिंग करने का. ठीक है, अपना यहाँ पे भाई भाई मिला यहाँ पे थर्ड पर्सन को. क्या बोल रहा हूँ? भाई मिला यहाँ पे थर्ड पर्सन को. क्लियर है? ये थर्ड पर्सन ने लोन लिया है. तो किससे लिया है यहां पे? इससे लिया है. थर्ड पर्सन ने लोन लिया है. तो मेरे भाई ने यहां पे किसको दिया गारंटी? ये कंपनी को आके गारंटी दिया. आपको पैसा मिल जाएगा, टेंशन मत लेना. मैं दे दूंगा आपको पैसा अगर ये आदमी दे नहीं पा रहा आपको तो. और मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे? ये कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं. क्या कर रहा हूं मैं? ये कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं. बोल, कैन आई गो एंड डू द ऑडिट और नॉट? नो. व्हाई? बिकॉज द गारंटी हैज बीन गिवन टू द सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी व्हिच इज कवर्ड इन योर कैश एस. गारंटी, हु हैज गिवन द गारंटी, वो देखना चाहिए. किसने गारंटी दिया? Your relative. Relative आ गया ऊपर में, वो तीन में, ऑडिटर, योर पार्टनर और रिलेटिव. तो तुम लोग देखना है कि गारंटी दे रहा कौन है. सो वेन सच कॉम्प्लीकेट क्वेश्चन कम्स, नो यूर टू गारंटी सिक्योरिटी का, यू टू आस्क योरसेल्फ टू क्वेश्चंस. इज द कंपनी टू हूम द गारंटी इज गिवन, क्या टू हूम द गारंटी गिवन इज कवर्ड इन कैशेस और नॉट, वो देखना चाहिए. वो फर्स्ट क्वेश्चन, वो येस आ गया ना. दूसरा, हु इज गिविंग द गारंटी, उसमें देखना चाहिए ऑडिटर, पार्टनर या रिलेटिव है क्या नहीं. और तीसरा क्वेश्चन एक और पूछने का, इज द अमाउंट मोर देन 1 लाख, इज द अमाउंट मोर देन 1 लाख. अगर ये तेरा तीनों सेटिस्फाई होता ना, देन यस वी कैन नॉट डू द ऑडिट. क्या बोल रहा है यार? मैं जर्मन बात कर रहा हूं क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी टू अंडरस्टैंड? इसके लिए वो वर्ड है वहां पे ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत जगह यूज करते उन लोग. वो इसके लिए होता है बिकॉज सब लोग ऐसे ही काम करते हैं. जो झोल करते हैं ना, उन लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, लेयर पे लेयर घुमाएंगे. एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, और छठवां पर्सन जो रहेगा वो ऑडिटिंग कर रहा है. एक भाई नहीं ना अपना, तो ये भाई मतलब क्या, कजिन ब्रदर नहीं? या यू हैव टू कीप ट्रैक इफ यू आर डूइंग द ऑडिट, यू हैव टू कीप ट्रैक, वो रिक्वायर्ड है. इफ अच्छा, इफ चल अपन तो इंडियन सोसाइटी में अपन तो पेरेंट्स का रहता है, या तो फिर वी हैव क्लोज रिलेशन विद पेरेंट्स. ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो सीए रहेंगे लेकिन पेरेंट्स का क्लोज रिलेशन रहेगा नहीं. तो अभी पेरेंट ने अगर एक कंपनी में, एक कंपनी से लोन लिया हुआ है, लेट्स से ऑफ 10 लाख, और वो उसको अगर ऑडिट मिल गया, उसको पता नहीं रहेगा कि उसके फादर ने लोन लिया है वहां पर 10 लाख का. तो ही विल हैव टू टेल, जैसे लोन लिया करके, दैट ही विल हैव टू रिवील. ये तो सब लोग यही बोलेंगे यार, मेरे को तो थोड़ा पता था उन्होंने लिया करके.
तो झोल चालू रहते रहेगा. तो दे विल हैव टू रिवील, तो इन्फॉर्मेशन निकाल के बताना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू द ऑडिट. इट्स ट्रू, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि कैसे पता चलेगा करके, दैट इज वेरी वैलिड. यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू रिवील, करना ही पड़ेगा. इजी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बोल यार. You cannot. नहीं कर सकता. क्लियर है? बट पीपल डू. वाई? बिकॉज यू आर नॉट द मेन पार्टनर इज नॉट डूइंग दिस, यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पार्टनर. तो अगर वो डिक्लेरेशन साइन नहीं किया ना, तो जनरली उतने डेप्थ में जाते नहीं है. जनरली उतने डेप्थ में, देयर इज नो एक्सक्लूजन रिटन दैट बैंक अगर रहेगा तो ये एप्लीकेबल नहीं है. देयर इज नो वेयर रिटन इन द एक्ट. सो इन बैंक रहेगा तो इट इज इक्वली एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल. Easily possible, yes. 100% easily possible. Correct. Easily possible. So you have to review also. कि ऐसे है करके situation. But generally अपन क्या करते हैं? You have to generally जो independence रहता है ना normal company में, EY में तो it is, या big four में it is, each and every staff जो जा रहे हैं उनका होता है. But generally small firm mid-size में क्या होता है? खाली partner का देखते हैं. Whether the partner is has having any influence or not. उसका कोई relative, उसका कोई partner या वो खुद, उसका कोई है कि नहीं है. छोटे से जितने employees हैं उनका generally देखा जाता नहीं है, जनरली. क्लियर? अगर अच्छा रहेगा तो इंडिपेंडेंस उसमें भी चेक होता. क्लियर है? सिंपल टू अंडरस्टैंड. बोल यार. यस इट विल. आई टेल यू व्हाई. आई विल रिवील, वही फ्रॉड वाला एग्जांपल है. आई विल रिवील अ फ्रॉड टू द कंपनी. लेट्स से यू आर द कंपनी इज डायरेक्टर एंड माई ब्रदर केम एंड स्पोक टू यू, कि ये आदमी का जो अगर ये आदमी पे नहीं किया ना तो मैं दूंगा करके, मेरे को फ्रॉड लेके आया. आई एम द ऑडिटर, आई ब्रॉट अ फ्रॉड टुवर्ड्स यू. आई टोल्ड, अरे ये क्या फ्रॉड किया तूने, 10 लाख तेरे जेब के अंदर है शेयर होल्डर्स का. तू क्या बोलेगा? तेरा भाई का है ना, वो गारंटी दिया था. वो आदमी तो पैसा दे रहा नहीं, तेरे भाई को फटाफट पैसा भेजने के लिए, तो इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा कल 28%. मेरे को तो दबाएगा. सो आई विल नॉट रिवील द फ्रॉड जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर दैट यू आर गोइंग टू चार्ज माई ब्रदर इंटरेस्ट रेट. ये ब्रदर रहता ना तो थोड़ा सेंटीमेंट नीचे हो जाता है. मदर पकड़ तो तेरा सेंटीमेंट बढ़ेगा. यार मदर को 28% का चार्ज करेगा करके तो सेंटीमेंट बढ़ता, ऐसा होता. ठीक है, so you have to take that. Point. It should have been 5 lakhs. Equal रहना चाहिए, because उसका जो influence रहेगा तो same ही रहेगा. Because either I am going to pay और उधर भी I am only going to pay. But क्या उधर खाली guarantee है, third person बीच में आ रहा, correct? But they are given 1 lakh, so you have to follow 1 lakh. Easy. यहाँ तक clear? अभी तक क्या क्या देखा? आराम से करते हैं. सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 था इंडिविजुअल, वो सी होना चाहिए. थ्री बोलने का था, बोल दिया 1. अरे तेरा 2 आएगा तेरा वहां पे पार्टनर, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीएस एंड प्रैक्टिस इन इंडिया. तेरा 3 आएगा, तो 3 क्या आएगा तेरा वहां पे योर डिस्क्वालिफिकेशन. उसमें वी हैड सीन ए क्या था, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता, याद है कि नहीं है. तेरा 20 आएगा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. तेरा सी आएगा, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. डी में हिंग्स याद रखने का, क्या बोल रहा हूं मैं, हिंग्स. इफ The person himself or his partner or his relative holds any security or interest in company, associate, subsidiary holding, subsidiary of such holding, that is not allowed. However, a relative can hold up to face value 1 lakh, and if it exceeds 1 lakh, then they have to take corrective action within how many days? Face value 1 lakh. बाद में तेरा indebtedness greater than 5 lakhs in company, associate, subsidiary holding, subsidiary of such holding, दोनों के लिए allowed नहीं है. दोनों के लिए allowed नहीं है. अगर guarantee या security रहेगा ग्रेटर देन 1 लाख, तो भी क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों के लिए अलाउड नहीं है. दोनों के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, अलाउड नहीं है. सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी. मिस्टेक मत करना. दोस्त 3 क्वेश्चन खाली लिख दे गारंटी और इंडिपेंडेंस का, जो आ सकता, जो तुम लोगों को थिंकिंग में डालना है कि ये मुझे पूछना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन आता. फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, लिख देना ऊपर, ये तुम लोग एनालाइज करने में हेल्प करेगा. हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं इसको. लिखना आप कहीं भी नीचे 3 को छोटा क्वेश्चन लिखना, प्लीज राइट देयर जहां पे सेक्शन उसके आसपास ही, ऊपर नीचे कहीं लिखना. उधर लिख क्वेश्चन टू बी आस्ट, क्वेश्चन टू बी आस्ट करके लिखना वहां पे, क्वेश्चन टू बी आस्ट. लिखना हु इज गिविंग गारंटी, लिखना वहां पे हु इज गिविंग गारंटी, और स्लैश मार के लिखना हु इज इंडेटेड, हु इज इंडेटेड, हु इज इंडेटेड. डैश मार लिखना आगे, शुड बी हिमसेल्फ स्लैश पार्टनर स्लैश रिलेटिव
सेकेंड लिखना टू हूम इज द गारंटी गिवन, टू हूम इज द गारंटी गिवन, टू हूम इज द गारंटी गिवन स्लैश लोन टेकन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम डैश मार्क लिखना should be cash S, should be cash S. Third link now, check amount, check amount, check amount, check amount. Dash mark likhna guarantee, bracket mein likhna greater than 1 lakh, comma indebtedness, comma indebtedness, bracket mein likhna greater than 5 lakhs. These three questions you have to ask. इसका यस 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 आंसर आता ना देन यू कैन नॉट बिकम द ऑडिटर, यू कैन नॉट बिकम द ऑडिटर. करेक्ट, इन केस ऑफ गारंटी, या इन केस ऑफ गारंटी लोन किसको दिया दैट इज नॉट रेलेवेंट, गारंटी कौन दे रहा दैट इज रेलेवेंट. इन केस ऑफ इंडेबटनेस लोन किसने लिया दैट इज रेलेवेंट. इजी बोलना है. At the time of appointment or any time during the audit. Any time during the audit. Simple यहाँ पे clear है A B C D खत्म. एक कोड आएगा. बुरे F20, F10, 144, क्या बोल रहा हूँ, बुरे F20, F10, 144, ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एकदम ध्यान दे, एकदम ध्यान दे. E, F, G, H, I, क्लियर है. क्लॉजेस आएंगे तेरे, सॉरी योर क्लॉजेस विल बी E, F, G, H, I, क्लियर है. ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यह. पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे इन योर ई वाला पार्ट. If the auditor has any business relationship, क्या बोल रहा हूं मैं, business relationship, यहां पर सुना क्या बोल रहा हूं मैं, either with the company, associate company, subsidiary company, holding company, subsidiary of such holding company, and either एक और आएगा subsidiary of such associate company, क्या बोल रहा हूं, subsidiary of such associate company. अगर मेरा कोई भी business relationship रहता है company के साथ तो वो गलत हो जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, वो गलत हो जाएगा. What do you mean by business relationship? मैं कंपनी का मेन सप्लायर हूँ, सेम प्रैक्टिस भी किया मैंने, कंपनी का मेन सप्लायर हूँ. मेरा गांव में राइस का बिजनेस है, क्या बोल रहा हूँ मैं, राइस का खेती है और कंपनी का मेन रॉ मटेरियल राइस है, क्लियर है. कंपनी वो राइस से पोहा बनाता है, क्या बनाता है, पोहा बनाता है, उसको कंटेनर सील करके बेचता है. तो पोहा बनाने के लिए राइस चाहिए तो मैं उनको राइस सप्लाई करता, मैं उनका मेन सप्लायर है, प्लस ऑडिटर भी है, प्लस मैं ऑडिटर भी है. कैन आई डू बोथ? आंसर इज नो, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व अ बिजनेस रिलेशनशिप विथ ईदर द कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच एसोसिएट, इनके साथ. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर मैं ये कर रहा हूं बट एज अ प्रोफेशनल सर्विस, क्या बोल रहा हूं मैं, एज अ प्रोफेशनल सर्विस और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या बोल रहा हूं मैं, और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशनल सर्विस. मैं अगर ऑडिटर हूं और मेरी फर्म को वो कंपनी ने मेरा ऑडिटिंग का काम देखा, बोला अरे बहुत मस्त काम करता है, बहुत मस्त, मतलब सब क्वेरीज पूछता है, एकदम सिंसियर, तेरा टीम भी सिंसियर, रात को 12 बजे तक बैठता है, एकदम सिंसियर. वी आर गोइंग टू गिव यू टैक्स रिटर्न का फाइलिंग, हम लोग टैक्स रिटर्न तुम लोग फाइल करना और तुम लोग काम कर लो. थैंक यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वील डू दैट वर्क ऑल्सो. कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑडिटिंग एंड टैक्स डिफरेंट सर्विसेज, वी कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. टैक्स सर्विस प्रोवाइड करना इज अ प्रोफेशनल सर्विस, कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है. तो इसके लिए कैन वी बी अपॉइंटेड फॉर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न्स ऑफ द सेम कंपनी? आंसर इज यस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्या बोल रहा हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, प्रोफेशनल सर्विसेज.
Is it a business relationship? Yes. But is it in the nature of professional services? Yes. तो exception है. वो क्या बोल रहा हूँ मैं? वो exception है. तो अपन वो provide कर सकता है. कोई रोक टोक नहीं. दूसरा, I am doing the audit of Jet Airways. मैं क्या करता हूँ? MakeMyTrip.com में जाता हूँ और वहाँ पे आके देखता हूँ कि मेरे को मुंबई से कोयम्बटूर जाना. I go every year with my mother. तो मैं जाता हूँ वहाँ पे और देखता हूँ कि मुंबई से कोयम्बटूर का कौन सा फ्लाइट है. उसमें Jet Airways का एक फ्लाइट मिला मेरे को. ठीक है, उसमें क्लिक किया, देखा कि चार्ज कितना है, देखा कि वहाँ पे 5000 रुपया आ रहा है टू एंड फ्रो का. मैंने बोला अच्छी बात है, सस्ते में मिल रहा है. मैंने कहा कि यहाँ पे बुक कर दिया. आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ द सेम कंपनी एंड आई एम एंटरिंग इनटू अ बिजनेस रिलेशनशिप विद दैट कंपनी. इज इट राइट और रॉन्ग? नो प्रॉब्लम एट ऑल. इट इज राइट बिकॉज इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. जैसे आम लोग कंपनी का सर्विस अवेल कर रहे हैं वैसे ही मैं अवेल कर रहा हूं. उसमें कोई गलत बात नहीं है. उसमें क्या बोल रहा हूं? उसमें कोई गलत बात नहीं है. हाँ, अगर मैं ऑडिटर बनके जाता हूँ डायरेक्टर के कैबिन में और बोलता हूँ सुनना थोड़ा दो टिकट फ्री कर दे ऑडिटर में, तेरा दो फ्रॉड तेरा बचाऊंगा मैं. तो अगर ऐसे मैंने बोल दिया ना तो दैट इज नॉट इन दी क्या बोल रहा हूं मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. लोगों क्या याद रखना है, ध्यान से सुन. बिजनेस रिलेशनशिप में मैं अगर जा रहा हूं तो जनरली अलाउड नहीं है. किसके साथ? कंपनी के साथ, एसोसिएट के साथ, सब्सिडियरी के साथ, होल्डिंग के साथ, सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग के साथ एंड सब्सिडियरी ऑफ सच एसोसिएट के साथ जाना अलाउड नहीं है. लेकिन इफ इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज चलेगा. If it in the nature of in the ordinary course of business, तो भी चलेगा, कोई problem नहीं है. Simple to understand, easy, simple दिया था ना यहाँ पे business relationship. ये क्या लिखा यहाँ पे? Point number E. A person or a firm who directly or indirectly has, देखा स्मिथ यहाँ पे आ गया था, directly or indirectly has business relationship with a company or its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary of such holding company or associate company of such nature as may be kya likha pe prescribed for the purposes of clause E above, the term business relationship shall be construed as any transaction entered into for a commercial purpose except, circle the word except commercial transactions which are in the nature of professional services permitted to be rendered by an auditor or auditing firm under this Act and the Chartered Accountants Act 1949 and the rules or the regulations made under those acts, commercial transactions which are in the ordinary course of the business of the company at arm's length price, like sale of products or services to the auditor as customer in the ordinary course of business, unlike in the ordinary course of business, by companies engaged in the business of telecommunication. Vodafone ka sim card liya, Vodafone ka audit kar raha, Vodafone ke dukaan pe jaake sim card liya, chalega, koi problem nahi hai. Jaise sab log le rahe waise hi le raha hu main, koi galat baat nahi hai usme. Airlines, Jet Airways ka example. Hospital, Ilawati mein admitted hua, lekin jitne baki log ko surgery ke liye charge kar rahe utna hi mere ko charge kar rahe, to koi problem nahi hai. Aage, and such other kya likha yahan pe? Similar businesses. Easy to understand. Relative nahi hai. माई पॉइंट ऑफ थिंकिंग इज कि इफ दे हैव, अगर पहले भी उन्होंने रिलेटिव दिया हुआ है अगर बाकी क्लॉजेस के लिए, देन दे शुड हैव मेंशन्ड द वर्ड रिलेटिव हियर आल्सो. दैट इज माय टेक. इफ यू हैव क्लैरिफिकेशन देना, अच्छा डाउट है. क्योंकि इफ आई रिकॉल, नो सेक्शन 185 करके अपन पढ़ने वाले डायरेक्टर्स में, वो लोन टू डायरेक्टर है, तो उधर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है. और उधर ऐसा है कि अगर रिलेटिव ने अगर रिलेटिव को अगर लोन दिया अपन ने तो इनडायरेक्टली केस में आता है, तो उधर वो केस में आता है. तो इसके लिए एक बार मैं खाली देखने दे, एक बार लेट मी जस्ट गेट बैक टू यू ऑन दिस. इसमें जो बोलता हूं वुड मीन रिलेटिव ओनली और अ पर्सन हु इज क्लोजली कनेक्टेड, जिसका जैसे अगर एक पर्सन है जिसका अपन बिजनेस में 70% ओनरशिप अपना, एंड इफ ही इज डूइंग दैट ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, दैट विल आल्सो बी कमिंग अंडर इनडायरेक्टली. मतलब कि वी आर एबल टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन मेकिंग. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पार्ट, इवन दैट विल कम इनटू द पिक्चर. आएगा तू जंप कर रहा पॉइंट को, आएगा आगे तेरा F20 जो पॉइंट है ना, F20G वाला पॉइंट, उसमें आएगा. फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर नहीं कर सकता वो. ठीक है, देखते कैसा आता. आगे पॉइंट नंबर F, अभी ये तेरा पॉइंट आएगा. किसने पूछा था रिलेटिव वाला डॉट? हितिन ने ना. हाँ, देख ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं मैं, बोर्ड पे देख. अगर मैं ऐसे मैं कंपनी में ऑडिटिंग करना जा रहा हूं, मैं ऑडिटिंग करना जा रहा हूं और कंपनी में ऑलरेडी मेरा रिलेटिव, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑलरेडी मेरा रिलेटिव कंपनी में एम्प्लॉयड है, क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी में एम्प्लॉयड है,
or working in the company. Yahan suno, he is there in the company. He is there in the company. Yahan pe cashes likha nahi hai. Is there in the company as a director or as an employee, and as an employee in the capacity of a director or a KMP. Kya bolo main, in the capacity of a director or a KMP. Matlab kya? If my brother is in the company working as a junior accountant. Kya bol raha hu main? Working as a junior accountant. Can I be the auditor of the company? Answer is yes. Koi problem nahi hai. Because wo employee hai company mein. But as an employee, he's not a director or a KMP. He's not a director or a KMP. Clear hai? Will your answer change if the brother is a company secretary? Why? KMP ke andar aata hai. Kisme aa raha hai? KMP ke definition mein aata hai. MWMCCC. Yaad hai. To isme kya hoega? The brother is a key managerial person. He's employed with the company. He's a key managerial person. And you are getting appointed as an auditor. Part C of the question. Uno gumaega, aise hai, aise gumaega. Will your answer change if he is not the CS in employment? He is actually a CS in practice. Will your answer change? Will your answer change? Matlab kya? Can we do the audit or not? We can do the audit or not? Yes. Because we're employed. Nahi hai. Practice is a alag firm hai. So can we be the secretary auditor? Can he be the company secretary in practice of the company? Answer is yes. No rope talk. Kya bol raha hu main? No rope talk. So, example samjhaiye. Wapas ho jayega example. Dhyan se suno kya bol raha hu main. Kaun sa wala? Repeat. Karenge. Ruk. Dhyan se suno kya bol raha hu main. Ye example samajh dhyan se. Agar main auditing karne ja raha hu, and my relative is in the company as a junior accountant, bol chalega ki nahi chalega? Can I be the auditor? Yes, because wo relative hai, hai wo employed company mein hai. Next point, employee as a director hai, nahi hai. As a KMP hai, nahi hai. Khatam. Matter udhar hi over. If I am going to be the auditor of the company, and if my brother is a company secretary employed with the company. Company secretary ka bol raha hu main, employed with the company. Then what do you think? Chalega ki nahi chalega? Kyun nahi chalega? KMP hai. Kya bol raha hu main? KMP. Why it is MWMCCC mein aayega. Last C hai tera CEO, CFO, CS. Apne definition kya tha usne? Section 2 clause 51. Bol. Let me finish this example. No? Then you can ask. Theek hai. Teesra. Agar main auditing karne ja raha hu aur mera relative company mein employed nahi hai, he is a CS in practice. Kya bolo? CS in practice, khud ka firm hai, and he is just providing CS in practice ke services. Can you be the statutory auditor of the company? Bolo, you are telling I'll be the company ka statutory auditor, and he'll be the company ka CS in practice. Yes. Chalega? Do bhai log company mein the major positions mein chalega? Chalega. Ha, koi rok tok nahi hai. Kya bolo? Main koi rok tok nahi hai. Wo apne professionalism ki wajah se yahan pe gaya, main apne professionalism ki wajah se yahan pe gaya. Koi problem nahi hai. Ek dusre ko influence nahi kar raha apan. मैं अपना काम वो उसका काम बोल आशर आउट इंटरनल ऑडिटर यू कैन स्टिल गो नो प्रॉब्लम एट ऑल करेक्ट हाँ तो वी हैव टू सी एज एन एम्प्लॉय इज ही अ डायरेक्टर नो इज ही अ केएमपी नो इंटरनल ऑडिटर इज नेवर गिवन इन केएमपी उसके डेफिनेशन में नहीं है वी हैव टू सी ऑलवेज गो टू द बेयर एक्ट एंड चेक अपन बैरक में जाके चेक कर रहे हैं इफ आई एम गोइंग टू बिकम द ऑडिटर यस माय ब्रदर इज अ इंटरनल ऑडिटर ओके इंटरनल ऑडिटर डज ही गेट कवर्ड एज एन एम्प्लॉय इन द कंपनी इंटरनल ऑडिटर मे बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मे बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट इज ही अ डायरेक्टर नो इज ही अ केएमपी नो देन आई कैन बिकम द ऑडिटर नो प्रॉब्लम एट ऑल अच्छा डाउट अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर आएगा तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे को मसाला मिल गया फॉर पुटिंग इन द टेस्ट ठीक है अच्छा क्वेश्चन है इफ यू आर गोइंग टू बिकम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड योर रिलेटिव इज एन इंटरनल ऑडिटर कैन यू डू द स्टैट्यूटरी ऑडिट 100% ऑफ द स्टूडेंट का आंसर आता था क्या बोल रहा हूं मैं 99% ऑफ स्टूडेंट तुम लोग लिखेगा बराबर क्या बोल रहा हूं मैं 99% ऑफ स्टूडेंट का बोलेंगे नो यू कैन नॉट ठीक है कोई रोक टोक नहीं है यू कैन नॉट सी एनीथिंग हियर व्हिच इज ब्लॉकिंग इट आई डोंट सी इट बोल सर अगर आपका वाइस सीएस है और मैं सीए हूं हां सपोज बोला ना इसके लिए अब आने बी में आएगा
सी में आएगा. पार्टनर और वो क्या अपॉइंट हो रहा है कंपनी में? नहीं नहीं वो कंपनी में क्या? एंड आई एम गेटिंग अपॉइंटेड एज नहीं वो कंपनी सेक्रेटरी क्या है इन प्रैक्टिस या एम्प्लॉयड? वो प्रैक्टिस है. रुकना यार सोच रहे हो तो थोड़े बोलते रहे. सेम फर्म में है वो कंपनी सेक्रेटरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और मैं सीए का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं. अपना सीए फर्म है कि सीएस फर्म है? प्रोफेशनल फर्म है. तो सीएस फॉर्म नहीं खेलाएगा पहले तो. पहले वो सीएस फॉर्म नहीं खेलाएगा. वो तो सीएस काम कर ही नहीं सकता. वो सीएस काम नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? सीएस फॉर्म होने के लिए भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीएस. उधर लिखा है उनके एक्ट में. जब तो वो कोर्स पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा उधर ऐसे. तो यू कैन इधर भी रुक 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 यार रुक एक मिनट बोलते मत रहो. यू कैन इधर बी अ सीए फॉर्म और अ सीएस फॉर्म. वैसे तो सीएस इन प्रैक्टिस नहीं आएगा. तो वो किस अप्लाई होएगा ही नहीं. हाँ उसका अलग फॉर्म है सीएस फॉर्म का. अलग है उसका सीएस फॉर्म. मेरा अलग सीए फॉर्म है. वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सीएस फॉर्म का इन प्रैक्टिस. मैं अलग सीए फॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ. नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो प्रॉब्लम बिकॉज वो रुकता नहीं है अपने को यहाँ पे कहीं भी. कहीं भी रुकता नहीं है. बोल आशा अभी क्या हुआ? क्या सिंपल अब पढ़ते थे क्या लिखा पे. कम टू योर पॉइंट नंबर F. ध्यान से क्या लिखा है. अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और क्या लिखा पे की मैनेजर पर्सन. ध्यान से समझा लैंग्वेज कैसा है. लैंग्वेज वेरी नाइस. देख क्या लिखा है. अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर अंडरलाइन विद द वर्ड डायरेक्टर. अच्छा ये डायरेक्टर और वो एम्प्लॉयमेंट में जो डायरेक्टर लिखा है आगे देख क्या लिखा है. और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और अ केएमपी. ये दोनों डायरेक्टर में फर्क क्या? एक होल टाइम डायरेक्टर है. दूसरा क्या है? वो सिटिंग फीस वाला डायरेक्टर है. कौन सा वाला? तो खाली बोर्ड मीटिंग में आके अपनी राय देगा. तो अगर वो कोई भी डायरेक्टर रहेगा तो अगर अपन ऑडिटिंग करने जाए तो नहीं कर सकते. आ गया. अभी ये जो F20 वाला मैंने कल 20 वाला कवर कर दिया था. कल याद है कौन सा? पॉड्स वाला. पॉड्स कल याद है? पॉड्स कुछ किया था मैंने. प्राइवेट कंपनी लेस देन. अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा आज टेस्ट के लिए. पढ़ाई कर रहे थे समझ गया. क्या आएगा? लेस देन 100 crores पेड ऑफ शेयर कैपिटल. इनके तो प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी डोरमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी. क्लियर है? अगर वैसा केस रहेगा दोस्त तो वो काउंट नहीं करेंगे 20 के लिए. वो छोटे कंपनी माने जाएंगे. उसको अपन 20 में काउंट करेंगे नहीं. देख क्या लिखा जी. अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑल्टर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज. नाउ यू हैव टू रीड दिस क्लॉज इनटू टू पार्ट्स. वो स्टार्टिंग के 4-5 वर्ड एक पार्ट एंड उसके बाद और के आगे जो है ना पूरा पार्ट. तो जो है लिखा हुआ है पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर उसको एक प्रकार खाली अपने लिए ब्रैकेट में डाल दे. एक अपने लिए ब्रैकेट में डाल दे एक और को अंडरलाइन कर अच्छे से. उसके आगे जो और है उसको अंडरलाइन कर और नेक्स्ट पार्ट एक अलग पार्ट आ जाता है. मतलब क्या? ध्यान से सुन. पहले फर्स्ट पार्ट समझ. अगर मैं ऑल्टर हूं और अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर हूं मेरा सुबह 9 से लेकर रात को 7 बजे तक वहां पे जा रहा है टाइम. देन आई कैन नॉट डू जस्टिस बाय डूइंग द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी. मतलब मैं शेयरहोल्डर को टोपी पहना रहा हूं एक ही घंटा ऑडिट करके रोज. सिंसियरली ऑडिट नहीं कर पाऊंगा. उन लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे? अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो आप ऑडिटिंग कर नहीं सकते. आगे और पर्सन और पार्टनर वो पढ़ लिया अपन ने. नीचे के पैराग्राफ में क्या लिखा है? अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज अदर देन 1% कंपनी डोरमेंट कंपनी स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड ऑफ शेयर कैपिटल लेस देन क्या लिखा पे 100 crores. क्या लिखा पे 100 crores. आगे and that completes our clause यहाँ पे G. तो यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं? Full time employment elsewhere and if I am holding more than 20 audits excluding pods then मैं उठा नहीं सकता हूँ. Clear यहाँ पे? Simple. Next वाला अच्छा है. यहाँ सुना क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे एक CA. ये example समझ ध्यान से. वो हो जाएगा बाद में. दर्शनी बाद में copy हो जाएगा. देख सुन क्या बोल रहा हूँ मैं. सबसे एक CA है और उसने एक fraud किया. Clear है? तो कोर्ट में सुनवाई हुई और बोला कि इसे फ्रॉड में इन्वॉल्वड है. जेल 15 इयर्स. पीडब्ल्यूसी का फ्रॉड. जेल 15 इयर्स. भेज दिया जेल में. तो उसको ऑडिट करने का आगे अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
पहले लाइफ लॉन्ग के लिए अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मतलब 15 साल बेचारा जेल की काट के दाढ़ी इतना हो गया तेरी तो उसका तो बोल शिव नहीं क्या तो उधर आया और फिर बाद में वहां पे 15 साल के बाद बाहर आया पूरा एकदम आ गया वापस बोला कि आई हैव टू गेट बैक टू माय लाइफ आई हैव टू फाइट बैक गया अच्छे से प्रोफेशनल बन गया अच्छे से और आया प्रेजेंट किया अच्छे से और अभी वो जा रहा है ऑडिट करने के लिए बोल मेरा पॉइंट है अभी उसको ऑडिट करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए आंसर इज यस हो गया ना 15 साल जेल में कितना एक फ्रॉड के लिए हो गया 15 साल कोर्ट ने सुनवाई दी और जैसे बैठा भी था वहां पे तो कोर्ट में उसने बाकी सब लोगों को सीए का पोर्शन सिखाया वो सीए संजय को बिठाया सलमान को बिठाया सबको बिठाया बोला देख गाड़ी लोगों पे चलाने का नहीं देख AK-47 चलाने का नहीं सीए पढ़ने का सबको सिखाया ऐसे चलाया सिखाया सिखाया करके और सबको अच्छे से सिखाया ये सिखाया ये सिखाया अच्छा से पूरा ये अपन जो सिखा रहे हैं यहाँ पे सब सिखाया ऐसे और उन लोगों को बोला चलो सीए एग्जाम तो जेल से यार ICI ने स्पेशल प्रोविजन कर दिया वहाँ पे एक न्यू सेंटर तिहार जेल जोन जेड तो वहां पे आगे उन लोग एग्जाम लिख रहे हैं वहां पे और सब तो एक के बाद एक जेल से सीए निकल रहे मुंबई का पासिंग परसेंटेज अलग तिहार जेल का पासिंग परसेंटेज उससे हाई टाइम वेस्ट करने का सवाल ही नहीं मोबाइल नहीं है कुछ फोकस करने के लिए कुछ ध्यान बढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं अच्छे से पढ़ सकते आराम से बेस्ट लाइब्रेरी क्या बोल रहा हूँ बेस्ट लाइब्रेरी तो आप लोग क्या बोल रहा हूँ आर्टिकल शिप नहीं किया उन्होंने ठीक है सुन क्या बोल रहा हूँ मैं जेल में चक्की पीसना है आर्टिकल शिप ठीक है बोल रहा हूँ तो उन्होंने वहाँ पे ना अच्छे से एग्जाम दिया एंड जेल अथॉरिटीज एकदम खुश कोर्ट एकदम खुश तेरे तो एक आदमी फ्रॉड किया क्या हुआ फ्रॉड किया इधर आया 15 साल की जेल के अपन ने टर्म दिया उसको यहाँ पे जैसे तेरी तो टर्म बाई टर्म दस 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 जेलर को सीए भी बना के छोड़ रहा है सीए फाउंडेशन खत्म इंटर खत्म फाइनल खत्म एक एक करके निकल रहे सब बाहर जेल के बाहर आ रहे सूट वूट पहन के सीए बन गए अभी ऑडिटिंग कर सकते सब एक एक बाहर आ रहे कोर्ट को लगा अच्छा काम कर रहा है नेक काम कर रहा है इसको ही हैज हार्ट ऑफ गोल्ड ऐसे लिखा उन्होंने केस में अच्छा कर रहा है नेक काम कर रहा है तो उसका उन्होंने 15 ईयर्स का जो टर्म है ना उसको उन्होंने कर दिया 5 ईयर्स क्या कर दिया उन्होंने 5 ईयर्स बोला कि अच्छा आदमी इज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टू द सोसाइटी सो लेट्स सेंड हिम बैक टू द सोसाइटी अच्छा करेगा ये तो उसका 15 साल का जेल टर्म था यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको उन्होंने कर दिया यहाँ पे 5 साल और 5 साल के बाद तो बाहर आ रहा है वो बाहर आएगा उसको ऑडिट करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए क्या लगता है उसको ऑडिट करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए नेक काम व्हाट डू यू थिंक क्या बोल रहा तो पढ़ गया है शाने लोग क्या बोल रहा हूं मैं इफ यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड then you are not allowed to become an auditor of the company for 10 years from the date of conviction. क्या बोला date of conviction? Date of fraud नहीं, date of first step in jail नहीं, वो सब नहीं. Clear है यहाँ पे? तो क्या देखना है date of conviction. जब भी court ने सुनवाई किया यहाँ पे, वहाँ से लेकर 10 साल पकड़ने का. भले उसका heart of gold हो, silver हो, platinum हो, diamond हो, जो भी होने थे. वो कितना भी नहीं काम करे 3 महीने के अंदर ही बाहर है ना तो भी वो डेट ऑफ कन्विक्शन से 10 साल के लिए ऑडिट नहीं कर सकता तो मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल था जब ही वो जेल में गया 15 साल के लिए और 15 साल के बाद ऑडिट आया बाहर आया तो कैन यू डू द ऑडिट आंसर इज यस बिकॉज 10 साल हो गया ना कन्विक्शन से क्लियर है जस्ट बिकॉज ही वाज इन जेल वो एक्स्ट्रा 5 साल और ऑडिट नहीं कर पाया बट बाद में कैन यू डू द ऑडिट आफ्टर कमिंग बैक यस अगर उसको पैरोल मिला पैरोल मतलब पता है ना गुड बिहेवियर के लिए अगर उसको बाहर भेज दिया और उसने कम टर्म के लिए वो बाहर मतलब कम टर्म के लिए जेल में था उसके बाद कैन यू डू द ऑडिट आंसर इज नो अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ही कैन नॉट डू द ऑडिट फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ही कैन नॉट डू द ऑडिट देख क्या लिखा यहां पर वो अपना नेक्स्ट है यहां पर F10 देख क्या लिखा यहां पर पहले अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच क्या लिखा यहां पर कन्विक्शन कन्विक्शन एग्जाम दे कैन थ्रो केस स्टडी अगेन इस पे घुमा सकते हैं इजी क्लियर है आ गया लास्ट वाला टाइम पास देख दे कैसे लिखा है अभी लास्ट 144 वाला समझ ध्यान से समझा क्या बोल रहा हूं 144 अभी कंपनीज एक्ट 1956 में उन्होंने कुछ बेसिक होल्ड दिया नहीं था कंपनीज एक्ट 2013 ने यहां पे इस बारे में 144 सेक्शन पे ज्यादा पुश किया इसको और ये सेक्शन क्या बोलता है वो तुमको समझना बहुत जरूरी है ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं मैं वी आर लुकिंग एट सेक्शन 144 इधर लोग क्या बोल रहे हैं स्टे विथ मी ध्यान दे अगर ऑडिटर
या ऑडिटर अगर कोई कंपनी में मोर देन 50% होल्ड करा है तो वो हो जाएगा उसका सब्सिडरी कंपनी या फर्म पकड़ जो भी पकड़ या एनी एंटिटी विच इज एन एसोसिएट ऑफ द ऑडिटर मतलब ऑडिटर इज होल्डिंग मोर देन 20% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसको उस पे या उन्होंने लिखा है एनी एंटिटी इन विच इज इन्वॉल्व एनी एंटिटी इन विच ही इज इन्वॉल्व अगर ऐसा कोई एंटिटी रहेगा तो अगर इनमें से कोई भी इधर कंपनी को या उसके होल्डिंग कंपनी को या इस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी को क्या बोल रहा हूं मैं सब्सिडरी कंपनी को सेक्शन 144 के सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका एक लिस्ट है गाना गाएंगे अपन अच्छे से सेक्शन 144 की लिस्ट ऑफ सर्विसेज है अगर वो प्रोवाइड किया क्या बोल रहा हूं मैं वो प्रोवाइड किया तो आप ऑल्टर नहीं बन सकते अगर आपको वो सर्विस प्रोवाइड करना तो वो करो तो ऑडिटिंग मत करो अगर आपको ऑडिटिंग करना तो वो सर्विस प्रोवाइड मत करो कहने का मतलब क्या अगर मैं एज एन ऑडिटर इस कंपनी को ऑडिट करना चाहता हूं क्या बोल रहा हूं मैं इस कंपनी का ऑडिट करना चाहता हूं तो मैं वो ब्लू वाली चीज नहीं कर सकता दैट इज बेसिकली आई के नॉट प्रोवाइड सेक्शन 144 टू दोस कंपनीज मतलब क्या ध्यान से सुना लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग कुछ करिए तो पूछ बाद में If the auditor wants to do the audit of the company, if the auditor wants to do the audit of the company, that is marked in red, then the auditor or the subsidiary company or the subsidiary of the auditor or the associate of the auditor or any other entity with which the auditor is involved cannot provide services mentioned under section 144 to the company or the holding company or the subsidiary company. Sabko story samjha? Sabko story samjha? Passing of service kaise ho raha hai yahan pe? ये अगर हुआ ना तो मैं 144 सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता क्यों 144 की सर्विसेज पूरा कॉन्फ्लिक्टिंग है ऑडिट के काम से पूरा कॉन्फ्लिक्टिंग है कहने का मतलब क्या है ऐसे समझ मेरा ये कंपनी यहां पे मेरा ये सब्सिडरी कंपनी यहां पे ये कंपनी को लेट से ये कंपनी को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है क्या बोल रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है अकाउंटिंग बना रहा है पूरा अकाउंट जर्नल लेजर से बना रहा है अच्छे से कौन सा मेरा ही सब्सिडरी कंपनी और मैं जाके कंपनी का क्या कर रहा हूं वहां पे जाके ऑडिट कर रहा हूं सुनो क्या बोल रहे हैं इफ यू वांट टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स Then do that. Then don't do the audit. If you want to do the audit, then don't maintain books of accounts. वो conflicting हो जाएगा. तो ऐसे टाइप की काफी services दिए हुए वहाँ पे जो अपन देखेंगे, समझेंगे उसको. And ये services उन्होंने लिखा है कि अगर आप auditing कर रहे हो तो वो services provide नहीं कर सकते. Easy to understand? Clear है? देख क्या लिखा है वहाँ पे. Come to point number I. Final point of disqualification. देख क्या लिखा दोस्त. Any person who subsidiary or associate company or any other form of entity is engaged as on the date of appointment in consulting and specialized services provided in kya likha hai section 144 section 144 star mark kar raha mera gut bolta aane wala hai iska pura list of jo services hai apna shuru likhega bhi acha sa dekh kya likha hai section 144 of the companies act 2013 prescribes certain services not to be rendered by the auditor An auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors or the audit committee as the case may be, but shall not include any of the following services, whether such services are rendered directly or indirectly to the company or its holding company or its subsidiary. Unlike a company, holding company or subsidiary. Agar is service upon provide kar rahe kisko? Company ko, holding ko ya subsidiary ko? Namely, and service का वहाँ पे नाम दिया हुआ है देखते कैसे लिखा वहाँ पे नाम पहले देखते क्या लिखा डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या लिखा वहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी का जो अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर रहेगा मैंने वो बनाने में कंपनी को हेल्प किया आई हैव मेड द डिजाइन ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और उसको या तो फिर इंप्लीमेंट किया है मैंने वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए हेल्प किया उन लोगों को तो उन लोग बोल रहे हैं आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते बिकॉज यू नो हाउ द अकाउंटिंग इज फंक्शनिंग तो इसके लिए नाउ यू कैन नॉट डू द ऑडिट बिकॉज ऐसे हो जाएगा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आप बना रहे हो ऑडिटिंग भी आप उसी का कर रहे हो यू आर डूइंग ओनो इट लाइक योर राइटिंग ऑफ सी फाइनल पेपर योर ओनली करेक्टिंग गलत हो जाएगा क्लियर है ठीक है अंडरलाइन करना अच्छा नाउ अंडरलाइन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का FIS और ऊपर खाली FIS लिख दे ये अपने को आगे काम आएगा मैं बोलता हूं कभी FIS सेकंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज अकाउंट्स ओनली दे आर मेंटेनिंग एंड ऑडिट आल्सो दे आर ओनली डूइंग तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा आगे एक्चुअरियल सर्विसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्चुअरियल सर्विसेज एक्चुअली क्या काम करता है वैल्यूएशन का काम करते हैं क्या बोल रहा हूं मैं वैल्यूएशन का काम करते हैं मतलब क्या उन लोग वैल्यू निकाल रहे हैं
एंड दे आर टेलिंग की अच्छा ये एरिया का रेट इतना रहेगा करके कौन ऑडिटिंग का सब्सिडियरी फर्म एंड इन द ऑडिटर इज चेकिंग वेदर द वैल्यूएशन इज राइट और रॉन्ग ऑडिटर चेकिंग वेदर द वैल्यूएशन इज राइट और रॉन्ग ही हैज टू से द वैल्यूएशन इज राइट बिकॉज उसकी कंपनी ने वैल्यूएशन किया हुआ दैट इज एक्चुअरियल सर्विसेज क्लियर है आगे रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑडिटर का ऑडिटर खुद या ऑडिटिंग का सब्सिडियरी कंपनी ऑडिटर का एसोसिएट या एनी अदर एंटिटी इज प्रोवाइडिंग लोन सर्विसेज हेल्प कर रहा है आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस कर रहा है मतलब क्या कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दिया कोई एक छोटा प्रोजेक्ट हैंडल कर लिया कंपनी के बदले में बोला कि हम लोग फाइनेंस करते हैं डोंट वरी करके तो ऑडिटर का यहाँ पे एक तरीके से बिजनेस रिलेशनशिप भी आता जा रहा है यहाँ पे क्लियर अंडरलाइन करना यहाँ पे आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज ऑडिटर कंपनी को बोल रहा है कि कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए व्हाट द कंपनी शुड डू विद इट्स फंड्स कैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए ऐसे वो तेरा एसआईपी और उसको टाइम पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और फिर बने उसमें लॉस हुआ अब ऑडिटर को शेयरहोल्डर को रिपोर्ट करना है कि वो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया कंपनी को टाइम पास तूने तो हम लोग को दिया था एडवाइस कि ऐसे से करना चाहिए अभी तू बोल रहा है कि हम लोग का डिसीजन गलत था सो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ योर एडवाइस देन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ऑडिटर ही उस पर कमेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट बरोबर था कि नहीं था और ऑडिटर ही उनको एडवाइस दे रहा है कहां पे करना चाहिए ठीक है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आगे लिखा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज आईपीओ निकालने के लिए हेल्प किया मर्चेंट बैंकिंग आईपीओ निकालने के लिए हेल्प किया कंपनी का शेयर जा रहा है द ऑडिटर इज हेल्पिंग द कंपनी उसमें एंड द ऑडिटर इज ऑल्सो रिपोर्टिंग अपने करने वाले सेक्शन 143 में आएगा वहां पे वन ऑफ द ड्यूटीज इज टू ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टन मैटर्स उसमें तेरा लास्ट वाला पॉइंट है वहां पे दैट ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर इन द आईपीओ द कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट एक्चुअली एंड इफ इट हैज बीन रिसीव्ड वेदर इट इज अकाउंटेड और नॉट ऐसे करके लिखा है वहां पे कहने का मतलब क्या है ऑडिटर ही देख रहा है आईपीओ ऑडिटर ही बोल रहा है आईपीओ के बारे में तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा क्योंकि ऑडिटर खुद के बारे में गलत बोला नहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विसेज ऑडिटर इज हेल्पिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी तो गलत आ जाएगा बिकॉज ऑडिटर फिर कंपनी का इन्वॉल्व है ऑडिटर खुद के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की गलती कैसे निकाल सकता है नहीं निकाल सकता लास्ट में आ गया वहां पे इंटरनल ऑडिट ऑडिटर के नॉट डू द इंटरनल ऑडिट ऑडिटर हिमसेल्फ के नॉट डू द इंटरनल ऑडिट लास्ट में लिखा है एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब क्या लिखा है एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब आगे कुछ और देंगे उन लोग तो वो भी सिंपल क्लियर है ठीक है गाना गाता Which one? Exactly, it does. But here they have given a complete clear services के नाम के साथ कि ये काम करना नहीं चाहिए. So this will have an overriding part. बाकी लोग चलेगा. Of course, if it should be about professional service nature or ordinary course of business, only then allowed. If it is in the, because it is a professional service, no other person can provide. हाँ, because tax service is not written here, no. Tax service is not written here. Your tax advice is not written. Investment advice is written. Because auditor has to comment on investment advice and not how much the company is paying tax. That it is not the auditor's work. That is the tax auditor's work. Easy? अच्छा ध्यान से देख क्या बोल रहा हूँ मैं? एक गाना है. गाने का. अपने जो पुराने students हैं को पता है अपन गाना गाना बहुत गाता. जो नए students हैं आदत डाल दो. आने वाला बहुत बार. ठीक है? बोलना. उसका सीएस वाला पॉइंट था वहां पे कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है देखो ऑडिटर या सब्सिडरी या एसोसिएट या एनी एंटिटी इन विच ही इज इन्वॉल्व अगर मेरे भाई ने मेहनत से सीएस का डिग्री या तो फिर इंटरनल ऑडिटिंग वो करने में बहुत एक्सपर्ट है इज अ रियली गुड प्रोफेशनल एंड कंपनी वांट्स टू अपॉइंट हिम फॉर द सर्विसेज एंड नोबडी स्टॉप्स हिम फॉर डूइंग द इंटरनल ऑडिट फॉर द कंपनी क्लियर है बिकॉज वो रिलेटिव यहाँ पे कवर्ड है ही नहीं उन्होंने तो यहाँ पे रिलेटिव देते थे देखो पॉइंट ऑफ डायरेक्टली एंड इंडायरेक्टली दैट टू इन एनी केस आई एम सॉल्विंग हिज क्वेरी टुमारो कि वो डायरेक्टली और इंडायरेक्टली में रिलेटिव आता कि नहीं आता वो तो मैं ऐसे ही कल देखने वाले उस पर वो तेरा क्वेरी मैंने नोट ऑन कर दिया ठीक है सिंपल यहाँ पे ठीक है देख क्या लिखा यहाँ पे एक गाना है रॉक ऑन करके गाना है मूवी देखा है रॉक ऑन करके ठीक है कौन सा फरहान अख्तर वाला हाँ एक ही मूवी है फरहान अख्तर वाला ठीक है उसमें मेन टाइटल ट्रैक है कौन सा दिल करता है मेरा क्या मैं बताऊँ कुछ याद रहेगा थोड़ा तो क्लियर है सीएम है अपना खुशी भूलना मत ये गाना वाना सुनने का ठीक है क्या बोल रहा हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आराम से पहले उसका गाने का लिरिक्स एक बार गा लेते नॉर्मल जो सॉन्ग है पहले गा लेते मेरे को सपोर्ट करना अब आने अपने गाने में कैसे आता है वो देखते हैं दूसरा सुना टाइम पास अपन कोई तेरी तो ए आर रहमान के खानदान का कुछ नहीं है मतलब क्या सूर अपना बिगड़ा हुआ ही रहेगा
लेकिन मेरा ऑब्जर्व क्या किया है, अगर अपन कोरस में गाते हैं ना कोरस में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मतलब क्या सब बेसिक लोग तेरी तो बाथरूम सिंगर्स गाते हैं ना, मस्त तेरी तो मधुर आवाज आती है, अच्छे से मेरे साथ गाना सुन क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले आ गया तेरा वो गाना और अच्छे सुना गाने में बिंदास गाने का, बिंदास तू जितना गाएगा ना उतना तेरे पॉइंट में याद रहेगा तेरे को, एग्जाम में एक एक पॉइंट लिखेगा अच्छे से, क्लियर है? आराम से साथ गा, पहले आएगा रॉक ऑन का गाना, दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊ, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ, दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊ, चिल्ला चिल्ला कर मैं ये सबसे कह दू, रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्मा दोबारा, रॉक ऑन यू ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ऐसे जाएगा आराम से मेरे साथ रहना। इसका ट्यून कैसा आएगा, ये ट्यून पकड़ खाली और अपना गाना ऐसा आएगा, नोट्स देख अपना और ये पॉइंट्स देखते रहे। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी FIS, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट एंड एनी अदर काइंड, वहां पे फुल स्टॉप डाल देने का, आने लिखने का एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्या लिखने का एज मे बी, ठीक है आराम से रहे मेरे साथ। वन टू एक और बार सुन ले मैं कैसे कह रहा हूं, देन वी सिंग इट टुगेदर, क्लियर है? डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी FIS, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज वी प्रिस्क्राइब। यू विल बी राइटिंग इन दिस ऑर्डर, यू विल बी राइटिंग इन दिस ऑर्डर, तू ये ऑर्डर के बिना मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट लिख के दे, होगा लेकिन टाइम लगेगा तेरे को, ऐसे को मैं सिखा रहा हूं तो करना इससे, व्हाई यू वांट टू एक्ट एज अ रेबेल। हां तो वैसे कर, वैसे कर, वैसे कर, हां वैसे कर, हां डोंट राइट इन द ऑर्डर चलेगा, इट इज नॉट अ स्टेप, जे कोई भी आंसर अगर स्टेप या प्रोसीजर रहेगा ना उसको वाले ऑर्डर में लिखने की जरूरत है, हां चलेगा, इट्स ओके चलेगा, अगर लिखेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट राइट ओनली, ठीक है चल गा मेरे साथ। 1, 2, 3, start. Design and implementation of any FIS, accounting and bookkeeping services, actuarial services, rendering of outsourced financial services, investment advisory services, investment banking services, management services, internal audit and any other kind. Tu bol raha hai kyun answer? बोल रहा क्यों नहीं है? क्या क्वेरी तो पूछता है तभी तो आवाज आता तेरा बाहर अच्छे से, गाना गाना अच्छे से, अभी गला बैठा होगा सडनली, अरे तेरा रिवाइज नहीं होएगा, ये अच्छा तरीका है, देखो एग्जाम में सारे पॉइंट आएंगे, भाव नहीं गाने का, सब ये सोच रहा है फीस तो मैंने पे किया तू गा। आएगा एग्जाम में सब पॉइंट आना चाहिए अच्छे से, जेब का मार्क्स देखो दे रहा हूं मैं। अच्छा एक बार मैं गा ले, 1, 2, 3 स्टार्ट। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी FIS, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, management services, internal audit and any other kind MV prescribed. Charmi bhav kar rahi ho, gaane ka na kya karne ka hai usko, ye ki main meri achhi awaaz logon ko kyun sunao, why dekhiye bol raha hu ek last time ka acche se, we'll keep doing the revision of songs every day, aaram se ga pehle, 1, 2, 3 start. Design and implementation of any FIS, accounting and bookkeeping services, actuarial services, rendering of outsourced financial services,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज बी प्रिस्क्राइब्ड. पूरा लिखने का अच्छा सा नीचे पैराग्राफ में देखा लिख. In case the auditor being an individual, either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual or through any other entity whatsoever, in which auditor has significant influence or control. Unlike in which auditor has significant influence or control. Ye hona zaruri hai. Or whose name or trademark or brand is used by such individual shall be termed as rendering of services directly or indirectly by the auditor. And in case of auditor being a firm, either itself or through any of its partners or through its parent, subsidiary or associate or through any other entity whatsoever in which the firm or any partner of the firm has significant influence or control, or whose name or trademark or brand is used by the firm or any of its partners shall be termed as rendering of services directly or indirectly by the auditor. So carry this clarifies your point to some extent because they are writing their relative. Clear hai to log relative bol rahe ki agar wo name trademark brand agar use kar raha hai to then it can be it can come into this part. Next still but I'll look into this and then get back is pe bolta hu. Clear hai theek hai. And that finally covers your ek last part where the person appointed as an auditor of a company incurs any other disqualification mentioned in subsection 3 ABCD EFGHI tak dekh liya apan ne. After his appointment he shall vacate his office as such auditor and such vacation shall be deemed to be casual vacancy in the office of the auditor. Casual vacancy apan dekhte kaisa aayega, easy to understand. Kali ek bar ppt nikal de then apan kali wo break dekh lenge. ppt mein come to your first page. ये आपने इसमें जो नंबरिंग दिया उसमें पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 उधर मिला तुम लोगों को ऊपर पर्सन इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर सेक्शन 143 141 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 10 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 मिला तुम लोगों को एग्जैक्टली जैसे अपन सीखे ना एग्जैक्टली वैसा ही है. माय बॉडी कॉर्पोरेट है, माने 20 ऑफिसर दिया, ऑफिसर में डिम का पूरा लिखा है, लेफ्ट में मीनिंग उसका, नीचे एम्प्लॉय है, राइट में पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय लिखा हुआ है, सी में डी में देखो हिंग्स मिलेगा, होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन कैश एस इंडेटेड मोर देन 5 लाख टू कैश एस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी मोर देन 1 लाख टू कैश एस, इजी टू अंडरस्टैंड. और नीचे रिलेटिव का वो भी दिया अप टू फेस वैल्यू 1 लाख, इफ मोर देन 1 लाख देन करेक्टिव एक्शन विद इन क्या लिखा 60 डेज. कैश एस क्या है वो राइट में दिया मैंने डब्बे में, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर. उसके बाद नीचे ई में वो तेको मिलेगा बुरे F20 F10 144 दैट इज बुरे में आएगा तेरा विद, याद रखना कैश एस एंड ई के नीचे भी एस है यहां पे बुरे में, बी यू में है एसोसिएट ऑफ एसोसिएट ऑफ सब्सिडी ऑफ एसोसिएट भी आता है, जस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस. हां एग्जाम में एक घुमा के अगर टफ पूछा तो ये आने का चांस है. एक्सेप्ट पीस ऑफ करके लिखा है यहां पे जो अपने देखा था प्रोफेशनल सर्विसेज और ऑर्डिनरी कोर्स रिलेटिव में इन द कंपनी एज अ डायरेक्टर और एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो एज अ डायरेक्टर और अ केएमपी माने आएगा तेरा F20 माने आएगा F10 लास्ट में आएगा तेरा 144 रॉक ऑन सॉन्ग ट्यून और उसमें जैसे अपना यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही वहां पे प्रेजेंटेड है. Yeah, it should not be a problem. Clear? Break le ek. Aur 15 minutes ka aaja wapas. Dekhta kaisa. Tu aa 20 minute ke baad. Shrutika ko bheja ek baar. Shrutika ko. क्वेश्चन नंबर इजी है हो जाएगा. प्रेम बंद कर दो. ओके लेट्स टू द नेक्स्ट पार्ट. आ जा यहां पे चालू कर.
अभी अपन देखने वाले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फर्स्ट ऑर्डर कैसे अपॉइंट होता है, कैजुअल वैकेंसी रहेगा तो क्या होएगा, सब्सिक्वेंट ऑर्डर रहेगा तो क्या होएगा, एक बार तो ये तो टेबल बना के सी एंटर वाले का कौन सा डेटर्स वाला लिस्ट, और दूसरा मैंने कल एक मेल क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर मेल क्या रहेगा, एक तो 25 कॉपी निकाल एक ही वन वन पेज ही है और वो लेके आ जा, क्या लिखा कंपनी ऑडिट बाय, क्या लिखा आप कंपनी ऑडिट अदर देन, क्या लिखा है गवर्नमेंट कंपनी, लेफ्ट में लिखा है राइट में लिखा है गवर्नमेंट कंपनी। पहले अपने को जानने की जरूरत है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। दूसरा अपन देख रहे हैं यहाँ पे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बोल गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, शेयरहोल्डर गवर्नमेंट रहेगा ठीक है, if the government is owning 51% will you call it as a government company? Yes. Sure. 100%? Yes. Sure. 200%? Yes. 300%? Kya likha hua hai section 2 clause 45 dekha likha hua hai, if more than 51% kya likha hai, more than 51% kya likha hai, more than 51% of the paid up share capital is held by the central government or state government or state governments और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंक्लूड्स द सब्सिडियरी ऑफ, क्या लिखा पे गवर्नमेंट कंपनी, ये उन्होंने डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। किस में देख रहा है, पीपीटी में देख रहा है, यहां पे देख रहा है ठीक है, यहां पे बॉक्स रहेगा 245 वाला उधर देख रहा है ठीक है, वहां पे लिखा है मोर देन 15% ऑफ पेड कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड द सब्सिडियरी ऑफ, क्या लिखा है गवर्नमेंट कंपनी, इजी टू अंडरस्टैंड। पहले तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि अपन ये डब्बे में जाए या ये डब्बे में जाए, वो जाना जरूरी है, तो इसके लिए यू नीड टू नो डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। टेल मी एस लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ओएनजीसी, एस लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ ओएनजीसी, इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, क्यों सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। S Limited is a subsidiary of ONGC, but S Limited does not have a single percentage which is held by central government or any of the state governments in India. Is it a government company? Yes, it's a government company because it is a subsidiary of a government company. Matter over. Clear? So any subsidiary of a government company will be covered in as the government company. Clear? पहले वो जाना जरूरी। अभी अपने PPT में देख, पूरा वही इसमें आएगा, वहाँ अपन read करते आराम से। देख क्या लिखा है। पहले अपन देखते हैं वहां पे लेफ्ट में आ जाओ, कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी रहेगा तो अपॉइंटमेंट कैसे चलता है। पहले लिखा है वहां पे द फर्स्ट ऑडिटर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, उधर लिखा है 30 डेज मिला दोनों वहां पे 30 डेज क्लियर है, एंड इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट देन विल बी अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स विद इन हाउ मेनी डेज 90 डेज। तो बोर्ड को अपॉइंट करना चाहिए कितने दिन में, 30 डेज में, मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहिए कितने दिन में, 90 डेज में अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया नहीं। कहने का मतलब क्या, यहां पे तेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, यहां पे तेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड को पावर मिलेगा अपॉइंट करने का, अगर बोर्ड ने ये चीज 30 दिन के अंदर किया नहीं, बोर्ड को मिलेगा 30 डेज के अंदर, इन्होंने किया नहीं तो मेंबर को मिलेगा यहां पे कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर अपॉइंट करने का। तो मेंबर्स होल्ड करेंगे एक ईजीएम एंड दे विल कम एंड दे विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्लियर है, ध्यान से समझ क्या बोल रहा हूं, एकदम क्लियरली तुम लोगों को फ्लो समझ में आना चाहिए, सुना क्या बोल रहा हूं। Suppose we are in the year 1/4/2015 से लेकर यहां पे अपन देख रहे 31st March 2016 का कैलेंडर अपना फाइनेंशियल, यहां पे द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड, द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड हियर, लेट्स टेक द डेटा इज 1/11/2015 इसको डेट पकड़, 1/11/2015 के बाद यहां पे 30 दिन के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा और बोर्ड ने अगर 30 दिन का अपॉइंट नहीं कर दिया तो यहां पे फिर 90 दिन का कैलकुलेट करके कौन अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। क्लियर है, ये जो तेरा फाइनेंशियल ईयर है ना दोस्त, ये जो फाइनेंशियल ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर, इसका एजीएम होने वाला है यहां पे कहीं, तो मतलब क्या 31 मार्च अप्रैल मई जून ये सब जाएगा यहां पे, और समवेयर इन द मंथ ऑफ अपन ऑगस्ट में करते हैं, विल टेक द डेट एज ऑगस्ट 20th 2016, क्या बोला 20th ऑगस्ट 2016, एंड ये डेट पे कंपनी का क्या होगा यहां पे एजीएम, क्या होगा एजीएम, the first auditor will stay as the auditor from the date he is appointed, matlab kya agar yahan pe kahin appoint hua hai wo to from the date he is appointed till the end of the first AGM, kya bolunga till the end of the
फर्स्ट एजीएम तक वो ऑडिटर रहेगा. बट ही विल रिपोर्ट फॉर विच पीरियड? फॉर द पीरियड 15-16 ओनली. वो रिपोर्ट खाली दे रहा है एजीएम के दिन पे. वो लेकिन कौन से फाइनेंशियल्स पे काम करेगा 15-16 के ईयर का? क्या बोल रहा है आदमी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजी क्लियर है? वापस आ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 30 दिन के अंदर कौन बनेगा ऑडिटर? कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? बोर्ड. अगर बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट देन मेंबर विद हाउ मेनी डेज? नेक्स्ट 90 डेज. अच्छा ये करेंगे हम लोग. ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो ऑडिटर कब तक रहेगा? टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एजीएम. वो कौन से पीरियड के लिए ऑडिट करेगा? जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ ना तब से लेकर उस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग के पीरियड तक का. वो उसका रिपोर्ट बनाकर देगा कहां पे? एजीएम में. देखा कहां पे? एजीएम. ये दिमाग में गया. अच्छा तेरा फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद है ना कंपनी में एक और ऑडिटर आता पिक्चर में, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ सबसीक्वेंट ऑडिटर. क्या बोल रहा हूं मैं? दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ सबसीक्वेंट ऑडिटर. तो तेरा एक आदमी देख लिया अपने फर्स्ट ऑडिटर इनकॉर्पोरेशन के बाद. बाद में तेरे कंपनी में आते रहेंगे कौन 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 लोग? सबसीक्वेंट ऑडिटर आते रहेंगे. एक आएगा वो निकलेगा, दूसरा आएगा वो निकलेगा, तीसरा आएगा वो निकलेगा, ऐसे आते रहेंगे सबसीक्वेंट ऑडिटर्स. अभी सबसीक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? उसका एक पूरा एक प्रोसीजर अपॉइंट करने का, ठीक है? अपनी शीट में देख क्या लिखा है यहां पे, पीपीटी में देखना. पहले फर्स्ट ऑर्डर उधर लिखा है बोर्ड विद 30 डेज, मेंबर विद 19 डेज. फर्स्ट ऑर्डर के नीचे लिखा है यहां पे टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एजीएम. ये मिल गया तुम लोगों को. आगे सबसीक्वेंट ऑर्डर लिखा है यहां पे टिल द एंड ऑफ द, क्या लिखा है यहां पे? 6th एजीएम. मेरे से ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुना है बोर्ड पे देख. ये मेरा जो एजीएम हो रहा है ना यहां पे इनकॉर्पोरेशन के बाद, दिस इज माय फर्स्ट एजीएम. यू एग्री विद मी? दिस इज माय फर्स्ट एजीएम. ये फर्स्ट एजीएम में जो अपॉइंट होगा ना उसको अगर मैं अपॉइंट कर रहा हूं, आई कैन अपॉइंट हिम फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ वन टर्म ऑफ 5 इयर्स. कर लो वन टर्म ऑफ 5 इयर्स. तो आई विल अपॉइंट हिम फॉर 5 इयर्स. आई विल अपॉइंट हिम फॉर व्हाट? 5 इयर्स. ये यहां पे आएगा मेरा सेकंड एजीएम, यहां पे आएगा थर्ड, यहां पे आएगा फोर्थ, यहां पे आएगा फिफ्थ, और यहां पे आएगा तेरा 6th एजीएम. अगर ईयर वाइज कैलकुलेट करें ना, ईयर वाइज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड दिस विल बी द 5th ईयर, ईयर वाइज. तो बेसिकली अपन उसको अपॉइंट कितने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे? 5 साल के लिए कि 6 साल के लिए? कितने साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं? 5 साल के लिए कि 6 साल के लिए? 5 साल के लिए. भले वो फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम है लेकिन ईयर्स कितने टोटल? 5 इयर्स. ये समझ में आया तेरे को? क्लियर है? अभी सबसीक्वेंट ऑर्डर ना ये पीरियड के लिए अपॉइंट होगा. क्या बोला? सबसीक्वेंट ऑर्डर ये पीरियड के लिए अपॉइंट होगा. इसको अपॉइंट करने का एक तरीका दिया, दैट इज गिवन इन अ रूल कॉल्ड रूल 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स करके, वो पढ़ते अपन. लेकिन ये जैसे आदमी अपॉइंट होएगा ना तो करेगा क्या क्या चीज और इसको अपॉइंटमेंट करने का तरीका क्या है, उसके लिए अपने फ्लो में जाना पड़ेगा. वो फ्लो मेरे साथ पहले समझ और बाद में देखते हैं. इनकॉर्पोरेट हो गया, इनकॉर्पोरेट के अंदर जो 30 दिन के अंदर मेंबर बोर्ड अपॉइंट करेगा, नहीं किया तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स अपॉइंट कर लिया तो जो ऑडिटर रहेगा ये रिपोर्ट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर इन द फर्स्ट एजीएम. फर्स्ट एजीएम से लेकर 6th एजीएम के लिए अपने को एक नया सबसीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा. अभी ध्यान से सुन. First, you have to see whether the company is required to form an audit committee or not. क्या बोला? Company is required to form an audit committee or not. ये देखना पड़ेगा पहले. Audit committee के लिए एक limit है. And the limit is क्या बोला मैं? LPOT 10-50-100. यहाँ सुना क्या बोला? LPOT 10-50-100 मतलब क्या? अभी now this you know, this we had done yesterday. So now you know how we are going to read it. Clear है? Every listed company has to compulsorily form an audit committee. Every listed company has to compulsorily form an audit committee. Every other company having a paid up share capital of 10 crores or more. क्या बोल रहा हूँ? Of having 10 crores or more. Every company having outstanding loans, borrowings, debentures, deposits. क्या बोल रहा हूँ? Loans, borrowings, debentures, deposits. Exceeding 50 crores or more. क्या बोल रहा हूँ? Exceeding 50 crores or more. Last में every company having a turnover of 100 crores or more. क्या बोल रहा हूँ? 100 crores or more. तो इधर तेरा कोड क्या आएगा? LPOT 10-50-100. क्या बोल रहा हूँ मैं? LPOT 10-50-100. अपने लिए क्या रहेगा भाषा? LPOT 10-50-100. So you know exactly वो कौन से कंपनी को एप्लीकेबल है. इंटरनल ऑडिटर कौन से कंपनी को एप्लीकेबल अपने भाषा में? LPOT LOPOT है कि LPOT है? LPOT है इंटरनल ऑडिटिंग के लिए. कल क्या था अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, क्या था? LOPOT था कि LPOT था? और नीचे नंबर क्या था? 25, 50, 100, 200. बराबर है, याना चाहिए. सुना? LOPOT 25, 50, 100, 200. सबके नीचे प्लस, दूसरे वाले O के ऊपर प्लस. दूसरे वाले O के क्या बोल रहा हूं मैं? ऊपर प्लस, 100 के ऊपर प्लस आएगा, ठीक है? ये मैंने कल देखा था. वैसे इसके लिए याद रखना है LPOT 10-50-100. क्या बोल रहा हूं मैं? LPOT 10-50-100 का दिमाग में डाल दे. अभी सुना ध्यान से.
अगर एक कंपनी को ऑडिट कमेटी फॉर्म करना कंपलसरी है, मतलब क्या ये वो कैटेगरी में आ जाता है वो कंपनी, तो ये कंपनी का ऑडिट कमेटी देखेगा किसको ऑडिटर अपॉइंट करने का। ठीक है, बोल। बहुत बड़ा कंपनी टाटा मोटर्स, वेरी बिग कंपनी। उधर कल एक सीएम बना, कल एक सीए आया, वो AIR1 वो आया एंड उसको उन लोग अपॉइंट कर रहे हैं एज दी ऑडिटर ऑफ टाटा मोटर्स। इतना बड़ा कंपनी, करोड़ों में उसका टर्नओवर, करोड़ों में उसका क्या बोलते हैं पेड अप के शेयर कैपिटल, वेरी बिग कंपनी। और वो अकेला बोलता है मैं हैंडल करेगा, मैं रैंक करूं, मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी एट ऑल। क्लियर है, ये भी इजी है, 10th और 12th के साथ ये भी इजी है। तो वो बोलता है कि हो जाएगा, इज लाइक दिस आल्सो इजी। तो बोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, शुड ही बी गिवन द ऑडिट टू हैंडल और नॉट? यस और नो? यस और नो? Audit committee is only telling. They are trying to vote for this person who is a rank holder and giving the entire Tata Motors. He does not have a single person working for him. Team nahi hai, akela. Maine kal pooch raha hu, karna dene. If you are the audit committee, will you go to him? Acha, koi aur All India rank one rahega to usko dekhe kya? Hello? Koi aur All India rank one rahega to usko dekhe kya? Denge? Pura Tata Motors audit karne ke liye? हालत खराब हो जाएगा और उसका कितना क्या क्या ट्रांजेक्शन जाएगा, क्या क्या क्वेरीज रेज करेगा, इतना चीज रहेगा उसमें ऑडिट करने के लिए। तो ऑडिटर ऑडिट कमेटी को क्या देखने की जरूरत है? देखा ऑडिट कमेटी को क्या देखने की जरूरत है? ऑडिट कमेटी को देखने की जरूरत है एक आदमी का क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, और देखना पड़ेगा ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वेदर इट इज कमेंस्यूरेट विद द साइज ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी और नॉट। कमेंस्यूरेट मतलब क्या? उसके हिसाब से होना चाहिए। एक कंपनी है, एक फर्म है, सीए फर्म का 20 साल का एक्सपीरियंस है, दे हैव अराउंड 100 एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ है उन लोगों का। बोल टाटा मोटर्स इनको ऑडिट करने के लिए देना चाहिए 20 साल का एक्सपीरियंस है, दुनिया देखी उन लोगों ने, उनको पता है ऑडिट में क्या क्या गड़बड़ आती है, rather than giving it to a person who is lack of experience रहेगा। क्वालिफिकेशन रहेगा, यस क्वालिफिकेशन रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट रैंक वन, लेकिन एक्सपीरियंस में मार्क आएगा, हेंस टाटा मोटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी कमेंसुरेट टू द साइज ऑफ द कंपनी। और वो अपन डिसाइड नहीं करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी। तो ऑडिट कमेटी क्या देखेगी? वेदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज कमेंसुरेट टू द साइज ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी और नॉट। ये भी देखना चाहिए ऑडिट कमेटी को कि उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू प्रोफेशनल मैटर्स नहीं होना चाहिए। आईसीए के कोड ऑफ एथिक्स का कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फ्रॉड का कुछ केस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ऑल दीस थिंग्स दे विल सी। क्लियर है? लास्ट में इफ दे वॉन्ट दे कैन कॉल फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? दे कैन कॉल फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? द ऑडिट कमेटी विल चेक व्हाट ऑल थिंग्स, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी कमेंसुरेट विद द साइज ऑफ द कंपनी, whether there are any pending proceedings in relation to professional matters, and last mein they can call for any other information. Kisse isse le lenge information? Easy to understand yahan pe? Acha abhi dhyan se flow mein chala, flow mein chala. Aise mein kya bol raha hu, pehle apan dekhenge first step is subsequent order ke case mein apna help or 10 50 100 aa raha hai ki nahi aa raha hai. Agar wo hit ho gaya na to audit committee picture mein aayega. Audit committee ye cake pe call dega. Apan isko kya bolenge? Cake pe call. Kya bolenge apan isko? Cake pe call. Ye apan dekhenge cake pe call. Audit committee cake pe call dekhega. अगर वैसे रहेगा ना तो एक उन लोग एक आदमी को चुन के ऑडिटर के हिसाब से उन लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? अगर ऑडिट कमेटी है नहीं पिक्चर में, मतलब क्या? इट्स अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेट्स से 5 करोड़, हैविंग अ टर्नओवर ऑफ लेट्स से 5 करोड़, हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन बॉरोइंग डिबेंचर ऑफ से 5 करोड़, सब लिमिट के अंदर, तो क्या ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है? है कि नहीं है? फिर भी है तो इधर कौन आएगा पिक्चर में? ऑडिट कमेटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा? ये सब कौन देखेगा? केक पे कॉल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। कौन देखेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। तो उसके लिए सेपरेट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका ये सब काम कर लेंगे। यहाँ तक इजी टू अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल चेक केक पे कॉल। अभी क्या आएगा ध्यान से सुनो, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड स्टे विद मी। सुन, सपोज अपने क्लास में ऑडिट कमेटी बनाया अपने, ये जो फर्स्ट 4 बेंचेस में बैठे, दीज आर द फर्स्ट 3, 2 बेंचेस में 4 लोग बैठे, दीज आर मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी और बाकी सब लोग सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑडिट कमेटी ने क्या बोला यहाँ पे कि एक काम करते, एक का नाम डालते, इन्होंने रिकमेंड किया मेरा नाम कि कार्तिक सर बनाते अपन ऑडिटर करके, तो मेरा नाम गया बोर्ड के पास। तो ऑडिट कमेटी हैज रिकमेंडेड टू द बोर्ड मेरा पूरा केक पे कॉल देख के कि अच्छा ये ऑडिट कर लेगा करके और बोर्ड को पसंद आया, अच्छा आदमी है, ये बराबर काम करेगा, वी विल रिकमेंड फर्दर टू द इन द AGM। क्या करेंगे लोग? रिकमेंड करेंगे फर्दर कहाँ पे? AGM में। तो पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा टू द बोर्ड, board if it agrees then it will be recommended in the AGM। इतना समझ में आया? board disagrees, audit committee ने मेरा नाम दिया, board ला नहीं यार, नहीं जमता, जमेगा ही नहीं अपना, कड़ू साथ में दे दो, जमेगा ही नहीं,
तो मेंबर्स क्या बोलेगा, सॉरी बोर्ड क्या बोला, नहीं जमेगा, दे डिसएग्री विद इट। तो बोर्ड को तीन चीज करना पड़ेगा, तीन आर करना पड़ेगा। ध्यान सुना क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड विल रेफर बैक द रिकमेंडेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेफर बैक द रिकमेंडेशन, इनको आप रिकमेंडेशन दे देंगे फॉर रिकंसिडरेशन। एक बार सोचो, फॉर रिकंसिडरेशन, रेफर बैक द रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन विद रीजंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, साइटिंग रीजंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, साइटिंग रीजंस, रेफर बैक रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजंस, किसको देंगे, ऑडिट कमेटी को। क्लियर है? अभी ऑडिट कमेटी के बाद मेरा नाम वापस आ गया, और ऑडिट कमेटी इसमें दो चीज कर सकती है, एक तो है बोलेगी हाँ यार बोर्ड का रीजन भी बराबर है, ये थोड़ा कच्चा है, मुश्किल है, इसको अभी ऑडिट नहीं देंगे, बाद में देखा जाएगा, बट राइट नाउ लेट्स नॉट गिव हिम द ऑडिट। तो ऑडिट कमेटी अपना प्रोसीजर ऑफिस में चालू करेगी, केक पे कॉल वाला प्रोसीजर चालू करेगी नए आदमी के लिए। लेकिन ऑडिट कमेटी अटकी हुई है कि हम लोगों ने तेरी तो अपना बैकग्राउंड रिसर्च किया, उन्होंने अच्छे से किया, बोर्ड को नहीं अपने को बोलने के लिए कि ये नाम बराबर नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है रिसर्च, तो ऑडिट कमेटी अटकी हुई है एंड दे आर नॉट रिकंसिडरिंग, दे आर नॉट रिकंसिडरिंग। तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को क्या बोलेगी, नहीं हम लोग को तो यही आदमी चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, यही आदमी चाहिए। तो बोर्ड क्या करेगा, हमें याद रखने का, बोर्ड इज अबाउट द ऑडिट कमेटी, क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड इज अबाउट द ऑडिट कमेटी। तो बोर्ड अपना पावर दिखाएगा, क्या करेगा, बोर्ड अपना पावर दिखाएगा, क्या करेगा बोर्ड, बोर्ड अपना ओन रिकमेंडेशन भेज देगा, कहां पे, एजीएम में। बोर्ड क्या करेगा, अपना ओन रिकमेंडेशन भेज देगा एट द एजीएम एंड गिविंग प्रॉपर रीजंस व्हाई इट इज डूइंग सो, क्या करेगा, इट्स एन इट्स ओन रिकमेंडेशन विद रीजंस अबाउट व्हाई इट्स डूइंग सो। ये समझ में आ रही है स्टोरी, क्लियर है यहां तक, क्लियर, आराम से मेरे साथ सुन, क्या बोल रहा हूं मैं, सब्सिक्वेंट ऑर्डर के अपॉइंटमेंट के लिए देख रहे हैं अपन, पहले हमें चेक करने का एल पॉट 10-50-100 है कि नहीं है, अगर वो एप्लीकेबल होता है तो ऑडिट कमेटी पिक्चर में आएगा, अगर नहीं तो ओनली द बोर्ड। ऑडिट कमेटी हो या बोर्ड हो, दोनों को क्या चेक करना पड़ेगा, केक पे कॉल, केक पे कॉल चेक कर लिया उन लोगों ने, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि आदमी बराबर है या नहीं। अभी स्टोरी मेरे साथ आना, मेरे साथ रिपीट करना, तुम लोगों को समझेगा कि तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा, ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं मैं। पहले ऑडिट कमेटी विल रिकमेंड टू द बोर्ड, बोर्ड विल रिकमेंड एट द, अगर बोर्ड इज सैटिस्फाइड इट विल रिकमेंड एट द एजीएम, इफ द बोर्ड डिसएग्रीज थ्री आवर्स refer back recommendation for reconsideration, citing reasons, the audit committee if it agrees with the board, मतलब क्या, it is reconsidering, then it may recommend another person using KPI call. If the audit committee does not reconsider, क्या बोला, audit committee does not reconsider, then the board can will send its own recommendation, then the board will send its own recommendation with reasons to the AGM. फिट एकदम दिमाग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स पे देख क्या लिखा है, उधर ना लिखा है बाजू में लेफ्ट में फर्स्ट ऑर्डर के नीचे सब्सिक्वेंट ऑर्डर, उधर नीचे लिखा है टिल द एंड ऑफ द 6th एजीएम, तुमको मिला हुआ है टिल द एंड ऑफ द 6th एजीएम, ठीक है, पीपीटी में ना, पीपीटी में टिल द एंड ऑफ द 6th एजीएम। अभी उधर सब्सिक्वेंट ऑर्डर के बाजू में ना हैश मारा मैंने, दिख रहा तुमको हैश, अच्छा वो हैश वहां पे रिपीट किया है, बीच में बड़ा बॉक्स है देख, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मिला तुम लोगों को, ठीक है, वहां पे देख क्या लिखा है, रूल 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 मिला सब लोगों को, ये रूल 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 सबको मिला, ये क्लियर है। अच्छा निकिता एंड सार्थक, व्हाई डोंट यू हैव द पीपीटी विद यू, अपन उससे कर रहे, ठीक है, देख क्या बोल रहा हूं अभी, कैन यू सी एसी ऑन ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी के नीचे एक ना एरो जा रहा है, देख वहां पे सेक्शन 177 करके, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर, सेक्शन 177 को ऊपर लिख पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पहले देखना पड़ेगा अपने को, एल पॉट 10-50-100, एल पॉट 10-50-100 जैसे अपन ने लिखा है यहां पे एग्जैक्टली वैसा ही है वहां पे, L pot 10-50-100 उधर लिखा है, L pot LBDD अंदर, O के अंदर 10 plus plus 50 100 plus, क्या बोला 10 plus plus 50 and 100 plus, no problem till here। अच्छा अगर audit committee form करने की जरूरत है तो audit committee का चेक करेगी cake pay call, तो cake pay call left में लिखा रहेगा वहां पे, please mark it as point number 2, qualification and experience should be commensurate with the size of the company, pending proceeding related to professional matters they'll have to check, and last में call for any other information। अगर ऑडिट कमेटी नहीं कर रही है तो बोर्ड से भी एक एरो जा रहा है, देख वहां पे टू केक पे कॉल मिला तुम लोग वहां पे, ठीक है वो आ जाएगा वहां पे पॉइंट नंबर 3 कर दे, इफ देयर इज नो ऑडिट कमेटी देन द बोर्ड विल डू केक पे कॉल, सिंपल। अभी आगे देखा क्या बोल रहा हूं मैं, ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑडिट कमेटी नाम सुनेगा एंड विल रिकमेंड टू द बोर्ड, देखिए एरो जा रहा है ऑडिट कमेटी से बोर्ड की तरफ, वो एरो के ऊपर लिखा है रिकमेंड करके, डिड यू गेट दैट एरो, मार्क इट एज 4। बोर्ड के आगे एक स्माइली फेस है, देखिए अच्छा स्माइली फेस, चिकना एक आदमी, तो वो एक तरह वहां पे दैट इज योर बोर्ड इज अग्रीन, क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड इज अग्रीन, अगर बोर्ड अग्री करता है इस पे तो इट विल फर्दर रिकमेंड टू द, क्या बोल रहा हूँ मैं, एजीएम। तो बोर्ड से जो एजीएम एरो जा रहा है ना, उधर खाली ऊपर लिख दे फर्दर रिकमेंड, वहां पे लिख खाली देना फर्दर रिकमेंड, बोर्ड से एजीएम जो एरो जा रहा है ना ऊपर लिख दे छोटा सा फर्दर रिकमेंड, फर्दर रिकमेंड, इजी यहां तक, आगे देखा दे, हाँ से देख क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा वो एजीएम में गया, अच्छा बोर्ड के नीचे एक दुखी चेहरा रहेगा वहां पे,
तो वो अगर बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं है तो नीचे तीन आर लिखा देगा वहां पे नीचे वाले बॉक्स में, बोर्ड शाल रेफर बैक रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजंस, रेफर बैक रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजंस। बोर्ड किसको भेजेगा ये रीजंस, किसको भेजेगा? ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी ने वन में एक और रिप्लाई भेज दिया बॉस को, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर। क्या बोल रहा है? वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर। देख क्या लिखा है, डू नॉट कंसीडर करके लिखा रहेगा, एरो डू नॉट कंसीडर। तो छोटा एरो जो है वहां पे दैट इज डू नॉट कंसीडर, बोर्ड के पास गया वो, क्लियर है। अच्छा बोर्ड क्या करेगा अभी वहां पे क्या लिखा है वो सैड फेस के बाजू में, बोर्ड शैल रिकॉर्ड रीजंस एंड सेंड, क्या लिखा वहां पे? ओन रिकमेंडेशन। क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड रीजंस एंड सेंड, इट्स क्या बोल रहा हूं मैं? ओन रिकमेंडेशन। ये कहां पे जाएगा ओन रिकमेंडेशन? एजीएम। फ्लो समझा कैसे हो रहा है यहां पे? ठीक है, यू हैव टू गो बैक एंड फोर्थ इन दिस आराम से फ्लो के लिए, ठीक है, इजी। अभी सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, अभी एजीएम में, एजीएम में वो ऑडिटर का नाम आ गया, इसको अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। AGM में अगर शेयरहोल्डर्स ने डिसएग्री कर दिया तो वापस प्रोसीजर चालू हो जाएगा ऑडिटर को ढूंढने का। अगर AGM में अग्री कर दिया, इधर शेयरहोल्डर्स आर अग्रीइंग, तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, शेयरहोल्डर्स ने तो वोट कर दिया, शेयरहोल्डर्स ने तो वोट कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक मेरा बताया नहीं है कि मेरे को ऑडिटर बनने का कि नहीं बनने का। खाली अभी तक तो क्या हुआ है, खाली उन लोगों ने मेरा नाम भेजा आगे, मेरा नाम आगे भेजा, लेकिन मैंने अपना टाइमिंग दिया क्या अभी लोगों नहीं। सो इफ द शेयरहोल्डर्स वोट फॉर मी देन आई विल हैव टू डू Before getting appointed, क्या बोल रहा हूँ मैं? Before getting officially appointed, I'll have to do certain things. अभी, can you see वो AGM के ऊपर? AGM जहाँ पे लिखा ना, उसके ऊपर लिखा BCCAIN करेंगे मेरा तुम लोगों, ठीक है? वो BCC को अलग से सर्कल कर, AIN को अलग से सर्कल कर। मैं बोलता हूँ कैसा आएगा? सब बिठा के तुम्हें टेंशन मत ले। BCC को अलग से सर्कल कर, AIN को अलग से सर्कल कर। Now, यहाँ पे जाना, यहाँ पे सबसे ऑर्डर मिला यहाँ पे, उसके राइट में तुम लोगों को दिख रहा है बिफोर अपॉइंटमेंट करके। वो बिफोर अपॉइंटमेंट के नीचे देख क्या लिखा, दो चीज लिखा है, कंसेंट एंड सर्टिफिकेट। क्या लिखा था वहां पे? कंसेंट एंड सर्टिफिकेट। क्या बोल रहा हूं मैं? कंसेंट एंड सर्टिफिकेट मतलब क्या? द ऑडिटर विल गिव हिज कंसेंट बिफोर अपॉइंटमेंट कि हां मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, और दूसरा मैं सर्टिफिकेट दूंगा। क्या सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? दैट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सबसेक्शन 3 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें मेरा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। दैट विल बी वन ऑफ द थिंग्स आई विल बी सर्टिफाइंग अबाउट। क्लियर है यहाँ पे? तो सुना बीसीसी क्या था? बिफोर अपॉइंटमेंट कंसेंट सर्टिफिकेट, बिफोर अपॉइंटमेंट कंसेंट सर्टिफिकेट, दैट इज योर बीसीसी। क्या बोल रहा हूं? दैट इज योर बीसीसी। आफ्टर अपॉइंटमेंट, मेरे को अभी अपॉइंट कर लिया उन्होंने, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, एंगेजमेंट लेटर एक्सचेंज हो गया है, सब कुछ हो गया है, पांच साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं लोग, सब कुछ हो गया है यहाँ पे। नाउ कंपनी को कुछ करने की जरूरत, देखा लिखा यहाँ पे, आफ्टर अपॉइंटमेंट आई विल फर्स्ट इन्फॉर्म द कंपनी कि हम लोग ऐसे कर रहे करके, एंड अ नोटिस हैज टू बी सेंट टू आरओसी। क्या बोला? नोटिस टू क्या लिखा यहाँ पे? आरओसी। तो ऊपर वो नोटिस के आगे लिखना है टू आरओसी, नोटिस के आगे लिखना टू आरओसी, नीचे लिखा विद इन 15 डेज। क्या आएगा? विद इन 15 डेज। तो BCCAIN, एवरीवन मिस नहीं करने का, सब पॉइंट का आधा मार्क है, एवरीवन मिस बिल्कुल नहीं करने का। नोटिस टू क्या बोल रहा हूं मैं? आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज। अरे बिफोर अपॉइंटमेंट के आगे रे आफ्टर अपॉइंटमेंट लिखा ना वहां पे, मिला नोटिस, क्लियर है? नोटिस टू आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज, क्लियर। अभी सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, फ्लो समझ तो इजी पड़ेगा। फर्स्ट एजीएम में बिफोर अपॉइंटमेंट अपन करेंगे, बिफोर अपॉइंटमेंट कंसेंट सर्टिफिकेट, आफ्टर अपॉइंटमेंट इन्फॉर्म द कंपनी एंड सेंड अ नोटिस टू आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज, कि अपन ने आदमी को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर। अभी हर साल मतलब क्या, फर्स्ट एजीएम हो गया, सेकेंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम एंड फिफ्थ एजीएम, ये जो एजीएम है ना, यहाँ पे क्या होगा? रेटिफिकेशन होगा। क्या होगा? रेटिफिकेशन। मतलब क्या? ना बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस ऑडिटर, यस और नो। यस हो गया ना आगे मैटर बढ़ेगा, नो हो गया तो देखा जाएगा कि उसको रिमूव कैसे करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या रेटिफिकेशन का मामला आएगा। रेटिफिकेशन मतलब क्या? एक तरीके से कंफर्मेशन होता है। वो क्या हुआ? कंफर्मेशन दैट वी वांट टू कंटिन्यू विद दिस ऑडिटर। इजी टू अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो तुम लोग को एक चीज याद रखने का, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ मैं, बिफोर अपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट रेटिफिकेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? बिफोर अपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट रेटिफिकेशन। अभी फ्लो कैसे आएगा? फटाफट फ्लो में जाना और मैं जस्ट समझा रहा हूँ, समझना मेरे से। पहले आएगा तेरा, अपन देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया तो मेंबर्स विद नॉमिनी डेज 90 डेज। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा उसके बाद फर्स्ट एजीएम आएगा कंपनी का, उसमें हम लोग देखना है कि नया ऑडिटर को चाहिए। उसके पहले बोर्ड या ऑडिट कमेटी कुछ एक्टिविटीज करेगी। ऑडिट कमेटी अगर जरूरत पड़ेगा तो एलपोर्ट इंटरनेट देखना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी आई पिक्चर में, नहीं तो बोर्ड, दोनों क्या देखना पड़ेगा? केक पे कॉल। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी कमेंसुरेट विद द साइज ऑफ द कंपनी, पेंडिंग प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू प्रोफेशनल मैटर्स एंड कॉल फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन लेके ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी बोर्ड को। बोर्ड को अगर पसंद तो क्या आ जाएगा? रिकमेंड टू द एजीएम। बोर्ड को ना पसंद, तीन आर,
रेफर बैक रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजंस. ऑडिट कमेटी को भी बोलता, ऑडिट कमेटी बोला कि हम लोग अटने नहीं वाले, वी वांट दिस पर्सन ओनली, डू नॉट कंसिडर. देन द बोर्ड विल सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन विद रीजंस टू द एजीएम. एजीएम में जो वोटिंग चल रहा है उसके बाद अपने को क्या देखना पड़ेगा, बिफोर अपॉइंटमेंट क्या, आफ्टर अपॉइंटमेंट क्या, एंड एवरी ईयर क्या होगा, रेटिफिकेशन. बिफोर अपॉइंटमेंट होगा तेरा कंसेंट सर्टिफिकेट, आफ्टर अपॉइंटमेंट तेरा क्या होगा, वहां पे इन्फॉर्म द कंपनी नोटिस टू आरओसी विद नॉमिनी डेज 15 डेज, एंड लास्ट में क्या आएगा तेरा एवरी ईयर रेटिफिकेशन. यहां तक ग्रिप एकदम परफेक्ट. ये तेरा रूल थ्री, ये कौन सा तेरा रूल थ्री, ये क्लियर? ठीक है, तेरा डाउट बोल. देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे अभी तेरा कंपनी का प्रोसीडिंग चल रहा है, मतलब क्या, ये ऑर्डर फर्स्ट एजीएम से लेकर सिक्स एजीएम तक अपॉइंट हो गया, अच्छे से अपना काम कर रहा है, ठीक है. काम का लोड बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत लोड बड़ा. एंड यहाँ पे ऑर्डर इज गॉन, हार्ट अटैक आ गया, काम करते हुए ऑडिट मारा, ऐसे टिक मारा ऑडिट का और गया. अरे हंसने का नहीं रहे, सब जोक पे सुनका बोल रहा, टिक मारा गया. क्या बोल रहा है, अभी कंपनी का ढाई साल ऑडिट नहीं होगा, टू एंड हाफ इयर्स करने का तो निकल गया, तो नाउ फ्रॉम द अभी कहाँ पे गया, वो एग्जैक्ट टू एंड हाफ इयर्स बाकी है. क्या ऑडिटर को, नया ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. ऑडिटर के टेन्योर के बीच में, जिसके लिए उसको अपॉइंट किया है, कभी भी ऑडिटर को कुछ भी होता ना, कुछ भी वो खुद से निकल रहा है, शेयरहोल्डर्स ने उसको निकाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको निकाला है, वो चल बस से इलनेस आ गया है, कुछ भी तो रीजन हो, कुछ भी, लेकिन टेन्योर के बीच में कुछ भी हो ऐसे, उसको अपन बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी. क्या बोलेंगे अपन उसको? कैजुअल वैकेंसी फॉर एनी रीजन. क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एनी रीजन. अभी ऐसा हो गया ना यहाँ पे, तो अपने को फटाफट नया ऑडिटर की जरूरत है, तो इसके लिए अपन मेंबर्स के पास पावर नहीं है इसके बारे में. अगर ऐसा कुछ हुआ ना, देन द पावर गोज टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या लिखा वहां पे? अगर कैजुअल वैकेंसी रहेगा ना, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटिंग द न्यू ऑडिटर विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज. क्या बोल रहा हूं मैं? विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज. बट सुन, ये बिकॉज ये ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है एंड नॉट मेंबर्स, तो इसको लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा. क्या बोल रहा हूं मैं? लॉन्ग टर्म मिलेगा नहीं, शॉर्ट टर्म मिलेगा. मतलब क्या, ये बंदा जो ऑडिटिंग करेगा ना, ही विल जस्ट डू द ऑडिट फ्रॉम दिस पीरियड, जब से ऑडिट अपॉइंट हुआ है, से लेकर नेक्स्ट एजीएम तक. क्या बोल रहा हूं मैं? से लेकर नेक्स्ट एजीएम तक. और वो जो एजीएम है नेक्स्ट एजीएम, उसमें तेरा वापस होएगा केक पे कॉल का प्रोसीजर, एक नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होएगा. कब से लेकर? यहां से लेकर अपॉइंट होएगा. उसके लिए फर्स्ट एजीएम ये था, सेकंड एजीएम उसके लिए ये, थर्ड एजीएम ये, फोर्थ एजीएम ये, फिफ्थ एजीएम ये, सिक्स्थ एजीएम ये. तो ही विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स. फ्लो सुना देखो कैसे चल रहा है. Easy to understand? Clear है? ठीक है. अभी इसमें एक गलती है लॉ में, और वो गलती rectified भी है. अभी सुन, ये dangerous है. अगर ऐसे बोल देंगे ना कि अगर casual vacancy, मतलब auditor कोई भी कारण की वजह से निकला, कोई भी कारण की वजह से अगर निकला, तो board auditor को power मिलेगा within 30 days to appoint. और आगे से members के आगे dash लिखा है, members के नीचे, मतलब क्या members को power दिया नहीं है, तो क्या होगा? ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं. कंपनी में ऑडिटिंग करना है, ठीक है. एक साल ऐसे से ऑडिट चला, सेकंड ईयर में थोड़ा तकलीफ है ऑडिट में, साले उन लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा ही नहीं है. कौन सा तेरा कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट, नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन. कैसे ना कैसे करके इधर उधर से इंक्वायरी करके, मेरा पूरा वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर सब अप्लाई करके, मैंने कैसे भी करके ऑडिट खत्म किया और उनको रिपोर्ट दे दिया. क्वालिफाइड ही दिया रिपोर्ट, लेकिन एक रिपोर्ट बना के दे दिया. थर्ड ईयर को समझ आया कि तकलीफ आने वाला है, और थर्ड ईयर में तकलीफ आया भी. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तेरी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा ही नहीं है. सपोज ये चार ही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको दे रहा नहीं, इनको बोला कि इन्फॉर्मेशन दे, कल आना, इन्फॉर्मेशन दे, कल आना, क्या है लंच ब्रेक है, क्या है डिनर ब्रेक है, मतलब क्या है तेरी तो, कभी तो इन्फॉर्मेशन देगा. 3-4 महीना भी दिया अपन सीए, तेरी तो कुछ जैसे लुखा भी नहीं है. तो मेरा फ्रस्ट्रेट हो गया यार, बोला कि इससे अच्छा मैं कुछ, आई एम नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द शेयर होल्डर. बोला कि छोड़ देंगे काम यार, निकल जाते. मैं निकल गया टू एंड वो बीच वाले पीरियड में, आई एम आउट. बोला मेरे को करने का नहीं ऑडिट यहाँ पे, रेजिग्नेशन दे दिया मैंने, निकल रहा हूँ. दे सकते हो रेजिग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? दे सकते, नहीं काम करने का निकल गया, जमरा नहीं अपना. और इसी वजह से अपॉइंट करने का बोर्ड ने, ये लोग चारों ने एक दूसरे को हाई फाई मारा. हाई फाई क्यों पता है क्या? इनका फ्रेंड यहाँ पे गौरव. क्या बोल रहा हूँ? इनका फ्रेंड यहाँ पे गौरव. गौरव इनके साथ कॉलेज में था. गौरव इन लोगों ने एमबीए किया, तो इन लोग डायरेक्टर्स है. गौरव सीए के पाथ में चल गया, तो गौरव का उन्होंने क्लियर हुआ सीए, एंड गौरव इज नाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इन लोग का कॉलेज में लोग बात करते थे, कभी ना कभी तो फ्रॉड करना ही है यार, कभी ना कभी तो क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रॉड करना ही है यार ऐसे करके.
आज मौका आ गया, शुभ दिन इन लोगों के लिए. तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते यार, अभी कैजुअल वैकेंसी आ गया यहाँ पे, एंड एज पर द लॉ द पावर इज गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट विद इन 30 डेज दे कैन अपॉइंट एन ऑडिटर. मेंबर्स को जाने की जरूरत ही नहीं, मेंबर्स को जाने की जरूरत ही नहीं है. एंड दे अपॉइंटेड गौरव, पहला आया और डिनर विनर पार्टी वार्टी किया, डीजे पार्टी रखा, बिकॉज अभी तो पूरा लूटने वाले कंपनी को. अगला अभी से लेकर वो फोर्थ एजीएम तक धमाल मस्ती होने वाला कंपनी में, सब पैसा गायब, सब पैसा एक एक करके गायब, एक एक नीरव मोदी बाहर निकलेंगे अभी, ठीक है. तो इन लोग जबरदस्त इनका प्लान. तभी गवर्नमेंट बोला वेट, इफ इट इज अ केस ऑफ रेजिग्नेशन, इफ इट इज अ केस ऑफ रेजिग्नेशन देन द बोर्ड विल रेकमेंड द नेम टू द शेयर होल्डर्स, बोर्ड विल रेकमेंड टू द नेम टू द शेयर होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 3 months. यू विल अपॉइंट द ऑडिटर इन द कमिंग 3 months. मतलब क्या, आपका कोई भी कैजुअल वैकेंसी का केस रहेगा ना कोई भी, तो उसे बोर्ड को पावर है 30 डेज अपॉइंट करने का, एक्सेप्ट रेजिग्नेशन. एक्सेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं, रेजिग्नेशन. डेथ होएगा बोर्ड अपॉइंट करेगा, इलनेस होएगा बोर्ड अपॉइंट करेगा, कोई और कारण देगा बोर्ड अपॉइंट करेगा, कोई भी. लेकिन अगर तेरा रेजिग्नेशन हो गया ना, रेजिग्नेशन, देन द बोर्ड विल हैव टू रेकमेंड अ नेम टू द शेयर होल्डर एंड द शेयर होल्डर्स विल हैव टू अपॉइंट इन हाउ मेनी डेज विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 3 months. तो पावर किसके पास जाता है, शेयर होल्डर्स के पास. किसको अपॉइंट करने का, गौरव को. और तुम लोग उसका बैकग्राउंड चेकिंग करके सब बाने देखेगा, नहीं इसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लियर है? अच्छा, सिंपल टू अंडरस्टैंड. एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, अगर मैं ऑडिटर हूं और मैं रिजाइन कर रहा हूं, अगर मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो मेरा कोई ड्यूटी है कि एक दिन मैं सीधा कॉल ही नहीं उठा रहा हूं, निकल गया मैं हिमालय, निकल गया वहां पे मेडिटेशन कर रहा हूं. बोल क्या लगता है, रेन नहीं पकड़ रहा है, 20 कॉल किया नहीं उठा रहा है, 30 कॉल किया नहीं उठा रहा है, बोल रिजाइन करने का तरीका होता है या कैसे भी कर सकते हैं, क्या बताता है, क्या लगता है? आरसी को बताएंगे, बराबर है. तो बताने का एक तरीका होता है. सो व्हेन यू रिजाइन नो, एक तरीका होता है. इवन इफ यू आर रिजाइनिंग, इवन इफ यू डोंट अग्री, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट दैट यू शुड हैव, दैट यू शुड टेल कि सी आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी, सो दैट एटलीस्ट कंपनी का कोई नुकसान ना हो, एक नया अकाउंट को अपॉइंट, एक नए आदमी को अपॉइंट करने का प्रोसीजर चालू कर दे. सो ऑर्डर का ड्यूटी है, ऑर्डर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कुछ लोगों को, क्लियर है? किसको इन्फॉर्म करना है ऑर्डर को, एक फॉर्म है, फॉर्म ADT3 करके, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर्म ADT3 वो भरना पड़ेगा. उसमें लिखा है वो फॉर्म, इफ यू सी ऑनलाइन आल्सो नाउ फॉर्म्स आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन जस्ट चेक, उधर लिखा हुआ है फॉर्म का डिटेल की क्या क्या रीजन है और ये सब दिया हुआ है. एंड उसमें ऐसा दिया है कि द ऑडिटर हैज टू इन्फॉर्म द कंपनी ऑल्सो एंड ऑल्सो हैज टू इन्फॉर्म द ROC ऑल्सो इफ ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी. कह रहे हैं यहाँ पे अगर नहीं किया तो पेनल्टी है, क्या बोल रहा हूं, नहीं किया तो पेनल्टी है. लिखा लिखा यहाँ पे, पहले If due to resignation, board will recommend and within 3 months the shareholders will approve. क्या लिखा है? Within 3 months the shareholders will approve. आगे लिखा है resignation के नीचे arrow मार के auditor duty. Auditor क्या भरेगा वहाँ पे? Form ADT3 and 30 दिन के अंदर किसको देगा? Company को देगा और copy किसको भेजेगा? ROC को भेजेगा. अगर auditor ने comply किया नहीं, क्या बोला मैं? Auditor ने अगर ये comply किया नहीं, then the penalty given there is how much? 50,000 to क्या लिखा है वहाँ पे? 5 lakhs. जिसमें शायद एक अमेंडमेंट है. यस, अमेंडमेंट चेंज किया हम लोग ने. कम टू योर पेज नंबर 5 ऑफ योर नोट्स, बताता हूं. 50,000 टू 5 लाख पहले था, कैन यू सी पॉइंट नंबर, पेज नंबर 5 में लास्ट 3 लाइंस, कैन यू सी बोल्ड में लिखा है? देख क्या लिखा है, इन केस ऑफ फेलियर द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 rupees. मतलब क्या, मिनिमम फाइन उन्होंने कितना रखा है यहां पे? 50,000 rupees. और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस, क्या लिखा है? और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस बट व्हिच मे एक्सटेंड टू, क्या लिखा है? 5 lakh एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3. तो 140 सबसेक्शन 2 में अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, मतलब कैजुअल वैकेंसी वाला रेजिग्नेशन, तो 140 सबसेक्शन 3 में आपका मिनिमम हो जाएगा यहां पे फाइन. अगर आपने रेजिग्नेशन सही तरीके से नहीं दिया तो फाइन विल बी 50,000 और द ऑडिटर्स रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस. मतलब अगर मेरे को ऑडिटिंग के लिए मिल रहा है 25,000 rupees, देन द फाइन विल एक्सटेंड फ्रॉम 25,000 टू 5 lakhs. अगर मुझे मिल रहा है कितना, लेट्स से इफ इट इज कमिंग अप टू माय रेम्युनरेशन इज 1 lakh rupees, कितना 1 lakh, देन माय रेम्युनरेशन, माय फाइन विल बी 1 lakh टू 50,000 और 5 lakhs, व्हिच 50,000 और रेम्युनरेशन व्हिच एवर इज लेस 50,000 और 5 lakhs, वो हो जाएगा. क्लियर है यहां पे? तो जहां पे तुम लोग के चार्ट में 50,000 लिखा ना, उसके बाजू में या नीचे कोई एस्टरिक मार और नीचे कंटिन्यू करना, या एरो मार के जो कंटिन्यू करनी चाहिए 50,000 के नीचे कंटिन्यू करना, और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस, और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस, और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस, व्हिचएवर इज लेस.
तो मिनिमम में उन्होंने चेंज किया, द मिनिमम रेमुनरेशन में उन्होंने चेंज किया, मैक्सिमम को हिलाया नहीं उन लोगों ने, मैक्सिमम 5 लाख ही रखा, सिंपल है। सो अगेन बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट दिस पार्ट बिकम्स वेरी क्रूशियल, क्लियर है। कैजुअल वैकेंसी रहेगा तो कितने दिन में कौन अपॉइंट रहेगा, ऑडिटर का प्रोसीजर क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लियर है। बिकॉज देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स इन दीज चैप्टर्स ना, फॉर एन एरिया टू कम आउट ऑफ अमेंडमेंट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरा गट फीलिंग बोलता है कि ये अमेंडमेंट वाला ही पार्ट लोग पूछेंगे कुछ तो, बिकॉज इतने सारे अमेंडमेंट्स है तो एक तो पूछना बनता है वैसे करके, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, क्लियर है। कैजुअल वैकेंसी हाँ, फिर वापस आ जाएगा कैजुअल वैकेंसी। या इफ इफ इज वर्किंग वेल, या इफ इज वर्किंग वेल दे कैन रिकमेंड द सेम नेम, जनरली वैसे ही होता। किसका? That is between the auditor and the company, no. Fees is not fixed. From that blue line you are asking? Yeah. His term will be till the end of the fourth AGM. That will be his end. Then we have to appoint a new subsequent auditor. Clear hai? Achha, practically kya hota? Ye jo tera aadmi jo incorporation ke baad jisko apne appoint kiya na, agar wo achha kaam kar raha hai aur company ka jam gaya na, जनरली वो तेरा केक पे कॉल तो होता भी नहीं है जनरली, और उसी का नाम लोग रेकमेंड करते हैं कहां पे, एजीएम में, एंड देन दैट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, क्लियर है। जनरली दैट हैपेंस, क्लियर है वैसा। बट माने रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रिंसिपल एक आ जाएगा, वो अपन देखते हैं, वो बाद में आएगा। इजी टू अंडरस्टैंड, इतना समझा, क्लियर है। खाली मेरा रिवाइज कर, सो आई कम टू नो दैट यू आर इन प्रॉपर ग्रिप। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फ्रीक्वेंटली आता है, आराम से बोलना। वी आर फर्स्ट टॉकिंग, वी हैव टू फर्स्ट सी कौन सा कड़ाई का कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, वो देखना पहले पड़ेगा। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तेरा केस, तो यू हैव टू ऑलवेज डिवाइड इन योर माइंड इनटू फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, ये डिवाइड कर रखना है तुम्हें दिमाग, तीन कैटेगरी, तीन फ्लोर बना के रख, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी। फर्स्ट ऑडिटर जो ऑडिट करने के लिए आएगा, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद हाउ मेनी डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्लियर है। अच्छा या रजिस्ट्रेशन, मान तेरा नेक्स्ट अगर बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया तो 90 डेज में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। अच्छा ये जो आदमी अपॉइंट हो रहा है, he'll be appointed till which date? End of first AGM. He'll be auditing for which period? From the incorporation date till the end of the financial year. अच्छा ध्यान से सुना अभी। अभी जब first AGM का बात आ गया, first AGM में अपन appoint करेंगे किसको? Subsequent auditor को। उसको appoint करने का तरीका कहाँ लिखा हुआ है? Rule 3। क्या बोला मैं? Rule 3 of the company's audit and auditors rules। Clear? आराम से समझा रहना। अच्छा उसमें पहले देखना पड़ेगा कि audit committee की जरूरत है या नहीं है। Audit committee की जरूरत कब करनी पड़ेगी? एल पॉट 10, 50, 100। क्या बोला? एल पॉट 10, 50, 100 प्लस कहां का ऊपर? 50 के ऊपर, बाकी सबके नीचे, बाकी सबके नीचे। लिस्टेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिबेंचर डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 50 करोड़, एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर, एंड लास्ट में क्या कहता था, टर्न ओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर। क्लियर टू अंडरस्टैंड? अच्छा ये अगर तेरा हो गया ना, देन ऑडिट कमिटी पिक्चर में आएगा। ऑडिट कमिटी क्या देखेगा? केक पे कॉल। अगर वो तेरा एलपोर्ट नहीं है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिक्चर में आएंगे, उन लोग क्या करेंगे? केक पे कॉल। अच्छा अगर ऑडिट कमिटी पिक्चर में है, तो उन लोग देखेंगे एक आदमी का नाम, रेकमेंड करेंगे टू द बोर्ड, बोर्ड सेटिस्फाइड या अग्रीज, तो कहां जाएगा? AGM। अच्छा बोर्ड डिसअग्रीज, 3 R, रेफर बैक रिकंसिडरेशन, रेफर बैक रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजंस, क्लियर है यहां पे। अच्छा अगर बोर्ड के पास, बोर्ड ने वो ये रेफर बैक कर दिया, ऑडिट कमेटी बोलता है नहीं हम लोग को ये याद नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? डज नॉट कंसिडर। बोर्ड क्या करेगा? अटकेगा। बोर्ड भी अटकेगा, क्या करेगा? सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन एंड गिव द रीजंस। कहां पे जाएगा ये? AGM में। AGM में बोर्ड ने डाला, अप्रूव हो गया, तो पहले बिफोर अपॉइंटमेंट कुछ करना चाहिए, आफ्टर अपॉइंटमेंट कुछ करना चाहिए, रेटिफिकेशन होना चाहिए। बिफोर अपॉइंटमेंट दो चीज करना चाहिए, CC कंसेंट एंड सर्टिफिकेट। आफ्टर अपॉइंटमेंट दो चीज होना चाहिए, इन्फॉर्म द कंपनी नोटिस टू ROC विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज, एंड लास्ट में तरह आएगा वहां पे रेटिफिकेशन एवरी ईयर का। क्लियर है यहां तक? सिंपल, दैट कंप्लीट्स योर सब्सिक्वेंट ऑर्डर का पार्ट। लास्ट में आएगा तेरा वहां पे कैजुअल वैकेंसी। बीच में आदमी गया कारण देखने का, गया का क्या देखने का? कारण देखने का। अदर देन रेजिग्नेशन रहेगा, मतलब क्या? रेजिग्नेशन के अलावा रहेगा, देन पावर गेट्स गोस टू द बोर्ड विद हाउ मेनी डेज, 30 डेज। बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया तो मेंबर्स को पावर मिलेगा क्या? नहीं दिया है, मतलब बोर्ड को कंपल्सरी अपॉइंट करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। दूसरा अगर रेजिग्नेशन है तो क्या रिक्वायरमेंट है? बोर्ड विल रेकमेंड टू द मेंबर्स, मेंबर शाल अप्रूव विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, विद इन थ्री
मंथ्स क्लियर 30 डेज बोलना विद इन हाउ मेनी मंथ्स 3 मंथ्स क्लियर है अच्छा ऑडिटर का ड्यूटी का रेजिग्नेशन करते समय एक फॉर्म भरना पड़ेगा एडीडी 3 अच्छा कितने दिन में देना पड़ेगा 30 डेज किसको देना पड़ेगा आरओसी को और कंपनी को ये दे दिया अपन ने क्लियर है ठीक है अच्छा अगर ये ऑडिटर ने नहीं किया तो पेनल्टी कितना है पहले दो अपने दिमाग दो पार्ट में डिवाइड कर मिनिमम मैक्सिमम क्या बोला मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम कितना आएगा 50,000 और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन व्हिच एवर इज लेस और मैक्सिमम है 5 लाख मैक्सिमम कितना आएगा 5 लाख अप टू 5 लाख इजी सिंपल टू अंडरस्टैंड कितना ग्रिप आया तेरे को ये समझ गया ना गवर्नमेंट कंपनी हलवा है गवर्नमेंट कंपनी का बोल रहा हूं मैं हलवा है देख क्या लिखा वहां पे गवर्नमेंट कंपनी आएगा तो हीरो पिक्चर में आता है एंड दैट हीरो इज कॉल्ड एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या बोल रहा हूं मैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है अभी सेम कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट मतलब क्या यहां पे इनकॉर्पोरेशन हो गया इनकॉर्पोरेशन अंदर कौन अपॉइंट करेगा विल अपॉइंट इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन से 60 दिन के अंदर सीएनडीजी विल गेट टू अपॉइंट उन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो बोर्ड को पावर मिलेगा 30 दिन के अंदर अगर बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया तो मेंबर्स को अपॉइंट मिलेगा कितने टाइम के अंदर 60 डेज के अंदर क्लियर है 60 30 60 क्लियर है ठीक है तो पहले सीएनडीजी ने अपॉइंट किया तो बोर्ड ने अपॉइंट किया तो मेंबर्स ईजीएम में अपॉइंट करेंगे क्लियर है यहां पे अच्छा इसका भी सेम कॉन्सेप्ट वो इनकॉर्पोरेशन से अपॉइंट होगा वो ऑडिट कौन से पीरियड का करेगा दैट फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेशन से लेकर एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर एंड ही विल बी एन ऑडिट रिपोर्ट इन द फर्स्ट ईजीएम क्लियर है अरे यहां सुना क्या बोल रहा हूं इनकॉर्पोरेशन या तो वेरी है तेरा 1/4 अगेन 2015 यहां पे आएगा तेरा 31 मार्च 2016 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यहां पे हुआ यहां पे है 60 यहां पे आएगा 30 यहां पे आएगा 60 ऐसे पावर दिया गया ठीक है वो पीरियड अगर यहां पे अपॉइंट हुआ लेट्स से तो वो ये पीरियड का ऑडिट करेगा और यहां पे एजीएम में क्या देगा अपना एजीएम में कंपनी के एजीएम में रिपोर्ट देगा वो क्लियर है टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एजीएम ओके नाउ अगर तेरा गवर्नमेंट कंपनी ना थोड़ा चेंज होता है सबसिक्वेंट ऑर्डर का पार्ट सबसिक्वेंट ऑर्डर विल बी अपॉइंटेड इन द फर्स्ट 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर तो गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी ऑडिटर ना 5-5 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट नहीं होता एवरी ईयर यू हैव टू अपॉइंट द ऑडिटर अगेन एंड अगेन अगर आपको सेम आदमी को अपॉइंट करना है तो भी आप एवरी ईयर करते जाओगे उसको कैसे करेंगे ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं यहां पे ये तेरा 31 मार्च हो गया वी कैन टेक दिस एज 1 अप्रैल 2016 आल्सो इट विल नॉट मैटर इट इज जस्ट द नेक्स्ट डे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ये फाइनेंशियल इज गेटिंग ओवर ऑन 31 मार्च 2017 क्लियर है इसके जो 180 डेज है ना यहां पे 180 डेज यहां पे In the first 180 days, I'll have to appoint an auditor. I'll have to appoint an auditor. And this auditor will be doing the audit of this period. Will be doing the audit of this period. And wo report kahan pe dega? Ye wale AGM mein dega. Wo saal ka jo AGM aaya tabhi dega. Easy to understand? Agle saal ka auditor kaise appoint dega? Same tarike se. From 1/4/2017 to 31 March 2018. From 1/4/2017 se lekar, we have to calculate for the first 180 days. Usme that auditor will be appointed. And he will be reporting for the period of what? 17-18 and then you give the report after the 18 jo AGM rahega tabhi wo chalte jayega that cycle keeps on going samajh mein aaya this is the case of the appointment of the subsequent auditor in the case of which company government company halwa clear hai simple hai last part hai dekha likha aap hai ye padh lete subsequent auditor rahega to 180 days from the commencement of the financial year us saal ke financial year ke 180 days ke andar aage कैजुअल वेंस अगर रहेगा तो सेम चीज आदमी बीच में गया मतलब क्या ये एक साल जो टर्म वो सर्व कर रहा है उसके बीच में अगर हो गया तो देख क्या लिखा है यहां पे वी हैव टू अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर टिल द नेक्स्ट एजीएम एंड दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय द सीएनडीजी विद इन हाउ मेनी डेज 30 डेज एंड द सीएनडीजी फेल्स टू अपॉइंट देन हु विल अपॉइंट द बोर्ड विद इन क्या बोल रहा हूं मैं द नेक्स्ट 30 डेज द मेंबर्स हियर आल्सो डोंट हैव द पावर टू अपॉइंट और यहां पे तेरा रेजिग्नेशन का केस एप्लीकेबल होगा नहीं क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे तेरा रेजिग्नेशन का केस एप्लीकेबल होगा नहीं यहां पे तेरा आदमी कंट्रोल किसके अंदर है सीएनडीजी के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं गवर्नमेंट के अंदर है तो रेजिग्नेशन का केस यहां पे एप्लीकेबल होगा नहीं तो रेजिग्नेशन का केस आएगा ना तो सिर्फ उधर ही अगर तेरा एग्जाम ऐसे पूछा कैजुअल वैकेंसी का केस दिया माने तेरे को बोला इट इज अ केस ऑफ रेजिग्नेशन तो तुम लोग पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिखेगा उधर लिखा एबीसी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी ऐसे करके लिख दिया यहां पे और माने तेरे को नीचे एक और पॉइंट दिया यहां पे और बोला कि विल योर आंसर चेंज इफ इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी योर आंसर विल चेंज बिकॉज अभी बोर्ड रेकमेंड करके शेयर होल्डर सीएम ने अप्रूव नहीं करेंगे अभी डायरेक्टली द सीएनजी अपॉइंट विद इन 30 डेज नहीं तो बोर्ड विल अपॉइंट विद इन द नेक्स्ट 30 डेज द मेंबर्स अगेन डोंट हैव द पावर टू अपॉइंट तो ये दोनों को फर्क पता रहना बहुत क्या बोल रहा हूं मैं जरूरी है ग्रिप आया इस पर क्लियर है पक्का
इसमें आईसीआई बहुत घुमाता है, इसमें मैंने दिखाया आईसीआई ये वाले पार्ट पे डेज बेस में ना, और डेज याद करना वो देखते हो अपना तरीका अलग है, लेकिन ये ग्रिप में आ रहा है तुम लोग का, क्लियर है। अच्छा, ऑडिटर का ड्यूटी का रेजिग्नेशन हुआ तो रेजिग्नेशन रहेगा, तो रेजिग्नेशन रहेगा तो ड्यूटी तो है ऑडिटर का, खाली वो 3 मंथ्स वाला केस नहीं है, लेकिन ड्यूटी तो है ऑडिटर का। क्या ड्यूटी ऑडिटर का, क्या लिखा, ऑडिटर ड्यूटी फॉर्म 83 भरना है 30 डेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों को देना है, कंपनी को देना है, आरओसी को देना है एंड सीएनडीजी को भी देना है। अगर ऑडिटर ने नहीं किया तो वो सर्व करना फाइन, और वहां पे तेरे वो अमेंडमेंट की तरफ एरो को लेके जा, अमेंडमेंट की तरफ तेरे एरो को लेके जा, वो अमेंडमेंट की तरफ तेरे एरो को लेके जा। वो अमेंडमेंट की तरफ तेरे एरो को लेके जा। ग्रिप आया पक्का? मैं सुना सबसेक्शन नंबर कैसे लिखने का एग्जाम में, ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे अपन बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, यहां पे अपन बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, क्लियर है। यहां पे अपन बात कर रहे हैं, यहां पे एक मिनट आओ, लेट मी राइट इन अ डिफरेंट वे, तो मुझे हेल्प पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में यहां पे अपन बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में यहां पे अपन बात कर रहे थे, सबसेक्वेंट ऑर्डर के बारे में यहां पे अपन बात कर रहे थे, सबसेक्वेंट ऑर्डर के बारे में यहां पे अपन बात कर रहे थे, कैजुअल वैकेंसी के बारे में यहां पे अपन बात कर रहे थे, कैजुअल वैकेंसी के बारे में। यू एग्री विद मी, क्लियर है, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। दिस एंटायर पार्ट व्हेन यू आर राइटिंग ना इन द एग्जाम, दिस एंटायर पार्ट मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करते समय यू हैव टू राइट इन द एग्जाम सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। क्या बोला, सबसेक्शन 6। अपन ये पूरा 139 के बारे में बात कर रहे हैं, और 139 के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे खाली तेरा आएगा यहां पे 139 सबसेक्शन क्या बोल रहा हूं मैं 6 इस चीज के लिए, इसके बारे में बात करो ना, इसके बारे में एक ही सबसेक्शन बढ़ा देने का 139 सबसेक्शन क्या बोल रहा हूं मैं 7 139 सबसेक्शन 7। ये पूरे के बारे में बात करो ना, ये पूरे के बारे में 139 सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा हूं 139 सबसेक्शन 8, तो ये पूरा आएगा तेरा सबसेक्शन 8 पूरा। और इसके बारे में बात कर रहा हूं ना, दिस इज योर 139 सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा हूं 139 सबसेक्शन 5, और ये तो अपन ने देख ही लिया, ये कहां पे तेरा रूल 3 में, ये कहां है तेरा रूल 3 में। तो 139 सबसेक्शन 6, 139 सबसेक्शन 7, रूल 3, 5, 8 लिखने आ जाएगा एग्जाम में सबसेक्शन के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेजिग्नेशन का पॉइंट रहेगा, रेजिग्नेशन का, देन विल बी 140 सबसेक्शन 2, कौन सा रेजिग्नेशन का पॉइंट रहेगा ना, देन विल बी राइटिंग 140 सबसेक्शन 2, कौन सा वाला पार्ट लिखते समय, ऑडिटर्स ड्यूटी लिखते समय, कौन सा वाला 83 वाला, दैट टाइम वी विल राइट 140 क्या बोल रहा हूं मैं सबसेक्शन 2। इजी टू अंडरस्टैंड, पक्का क्लियर है एकदम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर तुम लोग रेजिग्नेशन का पेनल्टी लिख रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी पेनल्टी लिख रहे हो, अगर ऑडिटर ने वो ड्यूटी नहीं किया रेजिग्नेशन के टाइम में, देन विल राइट 140 सबसेक्शन 3, क्लियर है। अपन अभी जस्ट पढ़ा अमेंडमेंट, वो पढ़ेंगे अपन, मेन नोट से तो पढ़ना बाकी है अभी, ये सब खाली बोल रहा हूं मैं, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर। क्या बोल रहा है, ट्यून गाएंगे अपन और मेरे साथ उसमें रहने का, हाँ लिख लिख, एक मिनट रुक, ठीक है सब दिया मैं चार्ट में, लिखा क्यों तुम लोग, सेक्शन लिख लिया, सेक्शन इधर ही लिख लो, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दो सेक्शन को, पूरा कॉपी क्यों करने का, हाँ कर। पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी एंड गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी पूरा एट। सबसेक्शन 2 और उसका जो पेनल्टी है ना दोस्त, दैट इज 140 सबसेक्शन 3, जो मैंने जस्ट पेनल्टी पढ़ा था वो जो अमेंडमेंट आया, दैट इज 140 सबसेक्शन 3।
यहाँ सुना क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख बोर्ड पे देखा जनरली है ना, मैं देखा अगर टेस्ट में अगर क्वेश्चन पूछूंगा ना मैं कि बता कितने दिन में अपॉइंट करना है किसको, तो 30 60 90 में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, बहुत ज्यादा क्लियर है नाउ टू सॉल्व दैट अपने को ट्यून लाने का, याद रहने का इन आर ट्यून नो वी आर ओनली कवरिंग फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट एंड कैजुअल वैकेंसी वाला पार्ट, मतलब जो बीच का सब्सिक्वेंट ऑर्डर है ना वी आर नॉट कवरिंग, क्या बोल रहा हूं वी आर नॉट कवरिंग, व्हाई नॉट कवरिंग बिकॉज दैट इज वेरी इजी रूल 3 एंड 180 डेज, क्या बोल रहा हूं रूल 3 एंड 180 डेज वो बहुत इजी है याद रखने के लिए ठीक है, लेकिन वो जो 30 60 वाला याद रखने का ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे अब देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं गाना है ये गाना है तुम लोगों क्लियर है, सो टू गो इन विच ऑर्डर ऐसे 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 तीन लाइन में मेरे जो ट्यून गा रहा है गा मेरे साथ, हाँ जज मत कर मेरे को देख क्या बोल रहा हूँ पहले पहले ऐसे आएगा BMCBM क्या बोल रहा हूँ BMCBM 39636 क्या बोल रहा हूँ 39636 30 dash 30 30 dash excited student सुन क्या बोल रहा हूँ BMCBM क्या बोल रहा हूँ BMCBM 39636 30 dash 30 30 dash मेरे साथ गाने का भाव नहीं खाने का, क्या बोल रहा हूँ मैं पहले क्या आएगा BMCBM 39636 30 dash 30 30 dash एक और बार BMCBM 39636 30 dash 30 30 dash 39636 मतलब 30 90 60 30 60 30 30 60 39 636 60 30 60 अभी मन में ट्यून चिपका देने का BMCBM 39636 30 dash 30 30 dash अभी आराम से सुन क्या बोल रहा हूं एग्जाम में उन्होंने पूछा इफ इट इज अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी व्हाट इज द प्रोसीजर गाना वन में गाने का जम नहीं करने का गाना वन में गाने का BMCBM 39636 30 dash बस अब मेरे को क्या चाहिए 30 dash इधर रुकने का ना गाड़ी अपना अपना गाना पूरा गाने का रियाज करना चाहिए अच्छी बात क्या बोल रहे हैं 30 dash जो है ना 30 dash वो अपने को चाहिए बिकॉज फर्स्ट कैजुअल वैकेंसी का इन द केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हाउ विल यू अपॉइंट द द फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आराम से BMCBM 39636 कदम 636 अभी 66 मतलब आएगा 60 डेज के अंदर सी एंड ए जी नहीं तो बोर्ड तीसरी के अंदर नहीं तो मेंबर 60 डेज के अंदर और मैटर उधर ही क्लोज तेरा यू टू नो दिस सॉन्ग तो तेरा कभी मिस्टेक नहीं होगा बिकॉज तेरा वो रिदम है 1 2 3 स्टार्ट BMCBM 39636 30 dash 30 30 dash एक और बार BMCBM 39636 30 dash 30 30 dash आ जाएगा ये इजी है क्लियर है आराम से रिलैक्स कर दे दो 5 मिनट का ब्रेक दे दो मैंने कंटिन्यू करेंगे थोड़ा लेकिन आराम से रहे एग्जाम में सब सेक्शन के साथ अच्छे से ये वाला पार्ट कर इजी है और ये आता भी एग्जाम में क्लियर है और आई थिंक आईसीए का बहुत कम टाइम बचा है इसको सीए फाइनल न्यू ओल्ड सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में पूछने का सीए फाइनल के लेवल पे ये इंटर में तो पूछेंगे उन लोग सीए फाइनल के लेवल पे तो ये आ गया ना ये तेरा इजी पिकिंग्स है लॉ का पेपर कितना भी टफ हो कितना भी टफ तेरा ये वाला जो आता ना मैकेनिकल वाला वो हमेशा इजी होता तो अगर टफ पेपर आया भी ना तो हमेशा कुछ ना कुछ सिंपल रहता है ये जहां पे अपने को मिस्टेक नहीं करना चाहिए क्या बोल रहा हूँ जहां पे अपने को मिस्टेक करना नहीं चाहिए तो मैच गया हाथ से क्या बोल रहा हूँ मैच गया हाथ से जैसे इंडिया का भी टेस्ट मैच चल रहा है उसमें एक ना इंग्लैंड का एक प्लेयर है डेविड मलान करके उसने कोहली को ना 21 पे ड्रॉप किया था 51 पे ड्रॉप किया था कोहली क्या किया 149 मारा कितना मारा 149 क्यों हलवा कैसा छोड़ा गया कोहली ने ठोक दिया उन लोगों को तो ये जो हुआ ना यहाँ पे इजी पिकिंग छोड़ने का नहीं हारेगा मैच जैसे उन लोग हारेगा आज मैच तेरी तो इंग्लैंड ठीक है क्या इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे ये क्लियर ठीक है ग्रिप में रख अभी तो 5 मिनट ब्रेक ले मैंने कोई एक और कॉन्सेप्ट सिखाने का देखते कैसा चल एक और पार्ट देखते हैं अभी अच्छे से सुन ध्यान से क्या बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ध्यान से देख
we are going to look at the provision of rotation of auditors. इसका दो पार्ट है, ये पार्ट दोनों पार्ट है ना अपने लिए है एंड नॉट फॉर राइटिंग इन द एग्जाम, लेकिन अपने लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं मैं. इसको अपन बोलेंगे बिग रोटेशन एंड स्मॉल रोटेशन. तेरा प्रोविजन प्रोवाइड करता है बिग रोटेशन के बारे में एंड स्मॉल रोटेशन, वहां पे एक पॉइंट का ही लिखा हुआ है लेकिन वो पता रहना जरूरी है, अपन बाद में आएंगे. रोटेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आप ऑडिट कर रहे हो कुछ कंपनीज का एक लिस्ट दिया हुआ है वहां पर, वो देखते हैं कौन से कंपनीज है, और उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप ये कंपनीज का ऑडिट कर रहे हो ना, देन यू नीड टू देन रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स प्रिंसिपल गेट एप्लीकेबल. ना ये रोटेशन का प्रिंसिपल क्यों आया एंड 1950 एक्ट में नहीं था, ये क्यों आया अभी और पहले क्या गड़बड़ हो रहा था, पहले वो समझो. मिस्टिफ इन द लॉ, पहले वो समझते हैं. क्लियर है क्या था, पहले क्या होता था, एक कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करती थी और ऑडिटर और कंपनी के बीच में ना वो रैपो बढ़ जाता था, मतलब क्या सेटिंग हो जाता था कि देख हम लोग ये जोल करने वाले, तू समझ हम लोग ये कर रहे, तेरे को इतना मिलेगा, तेरे को हम ज्यादा बढ़ा के देंगे. ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता था, जोल करते 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 आगे तक बढ़ते थे हम लोग. तो क्या लास्ट में रिलायंस के जो ऑडिटर्स है चतुर्वेदी हैं शायद, तो वाने एक और ऑडिटर है बड़े बड़े कंपनी के, जनरली दिया ऑडिटर था कंसिस्टेंट, उन लोगों का एक सेटिंग बन जाता है अच्छे से. मैं बोल रहा हूँ जोल करते हैं, लेकिन चांस है जोल करने का बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड रैपो. ये रैपो तोड़ने के लिए फॉर बिग कंपनीज पे, बिकॉज ये नया प्रोविजन है, पहले कुछ कंपनीज को ही एप्लीकेबल किया है, वो किसको एप्लीकेबल देखेंगे बाद में, लेकिन पहले प्रोविजन समझना. उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, अगर मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हूं, मतलब क्या मैं अकेला सीए हूं वहां पे, देन सीए मतलब द मेन पार्टनर हूज अ सीए, देन आई कैन ओनली सर्व वन टर्म ऑफ 5 years. क्या बोल रहा हूं, आई कैन ओनली सर्व व्हाट, वन टर्म ऑफ 5 years एंड उसके बाद मेरे को एक कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ेगा. कूलिंग ऑफ मतलब क्या, अगले 5 साल के लिए वो कंपनी मुझे एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकती. क्या बोल रहा हूं, अगले 5 साल के लिए वो कंपनी मुझे एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकती. एग्जाम्पल ले, let's say in the year 2018, a company has appointed me as an auditor, then I'll stay as the auditor till the year 2023. I'm not going to date by date calculation, 23 pakad. 23 se lekar 28 tak na, agar main proprietorship firm hu na, to mujhe I cannot do the audit of that company because cooling off period mujhe serve karna padega 5 saal ka. Uske 5 saal, 2028 ke baad main aa sakta hu kya wapas? No problem. Then the company can reappoint me as the auditor. Koi problem nahi hai. Easy? Achha. अगर मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक एक्स्ट्रा एडिशन मिल जाता है. दे कैन सर्व टू टर्म्स ऑफ 5 years ईच. क्या बोल रहा हूँ मैं, टू टर्म्स ऑफ 5 years ईच. 10 years में बोलना, टू टर्म्स ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 years ईच. मतलब इफ इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, देन पार्टनरशिप फर्म ने समझा मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीएस, तो ही कर सकते ऑडिट. मैंने देख लिया आज आईपीएल केस में, पहले आएगा तेरा यहाँ पे 5 years, एक और टर्म ऑफ 5 years, तो 18 to 23, 23 to 28 also they can serve as the auditor, but 28 to 33 उनका 5 साल का cooling off period रहेगा. क्या रहेगा, 5 साल का cooling off period रहेगा. So in the case of a partnership firm, it will be 5 plus 5 they can serve, but the next 5 they, it will be a cooling off period. 5 plus 5 they can serve, but the next 5 will be cooling off period. In the case of proprietary firm, it will be 5 they can serve, 5 will be cooling off period. यहाँ में इतना क्या? इसको अपन बोलते हैं big rotation. इसको अपन क्या बोलेंगे? Big rotation. इसमें पार्टनर हु इज डूइंग द ऑडिट ना यहाँ पे, लेट्स से विनी. तो विनी इज डूइंग द ऑडिट यहाँ पे. अपन जैसे सीखा यहाँ पे, she can serve for two terms of 5 years each. That is 5 years and 5 years. ये समझ में आता है तुम लोग यहाँ पे? कोई problem नहीं है. But ये जो उनका period रहेगा ना, ये वाला period, ये उनका cooling off period रहेगा. कितने साल का? 5 साल का. Clear है? ये सबसे बड़ा client है इन लोगों के पास. ये company जो है ना, सबसे बड़ा client है, सबसे जबरदस्त client ये company है. तो उसका audit कौन handle कर रहा है? विनी handle कर रही है. तो विनी को इसका बहुत ज्यादा इनकम का पार्ट मिल रहा है. क्लियर है? अभी ये क्लाइंट को छोड़ने का नहीं है. ये क्लाइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ने का नहीं है. क्लाइंट जाने वाला है, she knows that after the next 5 years the client जाने वाला है, तो विनी ने सोचा तेल लगाने का, अब I'll start a new firm and find new partners. वो जो अपने हीरो बेटे आदित्य एंड आशय, विनी ने बोला let me do a deal with them. तो उन्होंने एक यहाँ पे एक बनाया VAA, वाह पार्टनरशिप फर्म, है ना, वाह पार्टनरशिप फर्म करके उन्होंने बनाया.
और वह पार्टनरशिप फर्म क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दे विल टेक अप द ऑडिट, दे विल टेक अप द ऑडिट एंड अगेन विनी विल टेक केयर ऑफ द ऑडिट पार्ट. क्लियर है? यहाँ पे विनी या कोई और उसका ध्यान दे वो फर्क नहीं पड़ता, बट विनी इज पार्ट ऑफ दैट फर्म. यहाँ पे क्या हो गया, देर इज अ कॉमन पार्टनर, देर इज अ कॉमन पार्टनर. तो लोग ऐसे चालाकी ना करे, इसके लिए कंपनी क्या बोलता है, इफ देर इज अ कॉमन पार्टनर नो देन द फर्म विच वॉज डूइंग द ऑडिट इन आर केस वीकेएफ and the firm which is proposed to do the audit, if they have a common partner, no, then the both the firms will not get the opportunity to do the audit of that firm, of the company. Simple to understand? Easy hai? Ye tera hai rotation of auditors ka. Ye apan jo baat kar rahe na, ye apan baat kar rahe kiske baare mein? Big rotation ke baare mein. Kiske baare mein? Big rotation ke baare mein. Small rotation kya hota hai? Members of the company ko power diya gaya hai, members of the company ko power diya gaya hai, ki jab bhi aap auditor ko chunte ho na, aur agar aapne ek firm ko chuna hai, to firm mein agar apne case mein yahan pe teen partners hai, yahan pe VKF karke teen partners hai, तो मेंबर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पार्टनर का टीम काम करेगा. मतलब मेंबर्स कैन से दैट फर्स्ट टू इयर्स वी वांट विनीज टीम टू डू द ऑडिट. तो पार्टनर के अंदर जो उसका टीम रहेगा, सीनियर मैनेजर, मैनेजर उसका टीम रहेगा, दे विल डू द ऑडिट. इन द नेक्स्ट ईयर आई वी वांट कुशल्स टीम टू डू द ऑडिट एंड इन द लास्ट वन ईयर ऑफ दोस 5 इयर्स वी वांट फोरम्स टीम टू डू द ऑडिट. दे कैन डू दैट इंटरनल चेंजिंग ऑल्सो. कौन कर सकता है ये? मेंबर्स कर सकते हैं. इसको अपन क्या बोलेंगे यहां पे? स्मॉल रोटेशन. इसको अपन क्या बोलेंगे यहां पे? स्मॉल रोटेशन. तुम लोग के दिमाग में क्या, आराम से इजी टू अंडरस्टैंड. सिंपल प्रोविजन है. अभी ये प्रोविजन बिकॉज नया है ना, तो इन्होंने ये सब कंपनीज को अवेलेबल किया नहीं है, नहीं तो उसका कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाता था. तो उन्होंने क्या किया, पहले बड़े बड़े कंपनीज को पकड़ा और बोला कि तुम लोग एप्लीकेबल रहेगा ये. तो पहले देख किसको एप्लीकेबल है, मेरे साथ ध्यान से देख बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं मैं. Listed companies compulsory applicable. Listed companies compulsorily applicable. One person company not applicable. Small company को not applicable. क्या बोल रहा हूँ मैं? Listed company को 100% applicable. One person company को बिल्कुल applicable नहीं. कोई भी limit आए, कोई भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी applicable नहीं है. Small company को भी बिल्कुल applicable नहीं है. अभी ध्यान से next part carefully देख. All private companies. क्या बोल रहा हूँ मैं? All private companies having a paid up share capital of 50 crores or more. क्या बोल रहा हूँ? Having a paid up share capital of 50 crores or more. This 50 crores or more ना was an amendment in 2018. क्या रहा उसको 20 को उन्होंने 50 किया था. क्या बोला 20 को उन्होंने क्या किया था? 50 किया था. क्लियर है? तो मैं खाली यहां पे लिख रहा हूं M18 कॉपी करते समय लिख देना ये बाद में. क्या बोल रहा हूं मैं? पेड कैपिटल ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं? 50 करोड़ और मोर. ऑल ये प्राइवेट कंपनीज की बात कर लिया मैंने यहां पे, प्राइवेट कंपनीज की. ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. क्या बोल रहा हूं मैं? ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं? 10 करोड़ और मोर. क्या बोल रहा हूं? 10 करोड़ और मोर. इजी. All companies. Last में क्या बोल रहे हैं लोग? All companies. ये सी से है. All companies who are even not in the first and second category. मतलब जो private company भी हो सक नहीं है, unlisted company भी नहीं है. मतलब क्या? जो private company है, लेकिन उसका limit है ना paid-up capital का 40 crores है. कितना बोल रहा हूँ मैं? 40 crores है. या unlisted public company है, जिसका कितना है paid-up share capital? 8 crores है. क्या बोल रहा हूँ? 8 crores है. तो ये वाले category में भी नहीं आएगा, P के category में, U के category में नहीं आएगा. लेकिन अगर वैसा कोई company है जिसका पब्लिक borrowings फ्रॉम फाइनेंशियल institutions, banks एंड पब्लिक deposits. क्या बोल रहा हूं मैं? फाइनेंशियल institutions, बैंक एंड पब्लिक deposits इज 50 crores. कितना बोल रहा हूं मैं? इज 50 crores और मोर. अगर इतना रहेगा ना यहां पे, देन वी से दैट सच कंपनी विल हैव टू गो फॉर व्हाट? अ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करना पड़ेगा अगर आप वो कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो. ठीक है, आराम से देखते हैं. डोंट वरी, बहुत सिंपल है. मेरे साथ सिंपल है. लिस्टेड कंपनी के लिए कंपल्सरी, 1% कंपनी के लिए नॉट करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपका बोरोइंग भी 1000 crore रहेगा ना, बोरोइंग फिर भी करने की जरूरत नहीं है. आपका अगर स्मॉल कंपनी रहेगा तो भी आपको करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ऑल प्राइवेट कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 crores और मोर, फॉर देम इफ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ सच कंपनी, देन रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रिंसिपल विल अप्लाई टू यू एज एन ऑडिटर. ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 crores और मोर, देन इट विल बी एप्लीकेबल टू यू. All companies, even if they are not satisfying the first and the second criteria which we such said, agar usme bhi nahi aa rahe, but still if they have a public borrowings from financial institutions, banks and public deposits of 50 crores or more, agar aisa case rahega na dost, then rotation of auditing ka principle applicable ho jayega. Simple hai yahan pe? Clear to understand? Simple hai. Abhi isko yaad kaise karne ka, pehle ek bar isme dekh le, PPT mein dekh le ek bar.
जो अपना डायग्राम है ना उसके बॉटम राइट कॉर्नर में तुम लोगों को मिलेगा वहां पे कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स मिला तुम लोगों को वहां पे क्लियर है उधर एक वही लिखा है LOS जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा वैसे ही बाद में तुम लोगों को ऑल PUC लिखा है बाद में पी के नीचे लिखा है वहां पे पब्लिक पेड कैपिटल 50 करोड़ और मोर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए पेड कैपिटल 10 करोड़ और मोर ऑल कंपनीज के लिए पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम FVP फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ क्या लिखा है वहां पे 50 करोड़ और मोर तो रोटेशन क्या होगा एप्लीकेबल हो जाएगा रोटेशन पे टिक मारा रोटेशन विल बी एप्लीकेबल रोटेशन एप्लीकेबल मतलब बड़ा रोटेशन है छोटा रोटेशन विल बी एप्लीकेबल बिग एंड स्मॉल सिंपल टू अंडरस्टैंड क्लियर है याद कैसे करने का अपना तरीका याद करते हैं लिखते कैसे आएगा क्यों गाएंगे लिखते कैसे आएगा पहले गा के सुना दो बहुत इजी है स्लो गा रहा हूं माने फास्ट गाएंगे ध्यान से सुन के आप बोल रहा हूं मैं लिखा लिखा L O S all पहले क्या बोलने का L O S all L O S all क्या बोले L O S all अभी बोलने का पुक 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 क्या बोलो L O S all पुक 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 क्या बोलेंगे L O S all पुक 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 गाना तेरा क्या कर रहा है L O S all पुक 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 P B from MVP क्या बोल रहा हूँ मैं P B from MVP क्या बोलो P B from MVP 50-10-50 क्या बोलेगा 50-10-50 आराम से गा मेरे साथ पूरा ट्यून सुन L O S all पुक 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 P B from FVP 50-10-50 क्या बोल रहा हूँ मैं L O S all पुक 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 P B from FVP 50-10-50 थोड़ा प्रैक्टिस रियाज करेगा तो आ जाएगा ठीक है चार बजे उठने का ऐसे करते रहने का क्या बोल रहा हूँ मैं पहले L O S all पुक 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 P B from FVP 50-10-50 L O S all पुक 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 P B from FVP 50-10-50 समझ में आ रहा है आराम से बोल L O S all रुक L मतलब लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है वन पर्सन को नहीं है स्मॉल को नहीं है all प्राइवेट कंपनीज L O S all पुक 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 P B from FVP 50-10-50 क्लियर है all प्राइवेट कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं 50 करोड़ और मोर क्या बोल रहा हूं 50 करोड़ और मोर All unlisted public companies having a paid up share capital of क्या आएगा 10 crores or more. All companies not covered in even if they are not covered in one or two जो अपने ऊपर जो पढ़ाई ये वाला public and unlisted का but having public borrowings from क्या बोल रहा हूँ मैं financial institutions banks and public deposits of how much 50 crores or more आराम से आएगा clear है एक बार खाली गाले मेरे साथ simple है अच्छा सुन एक मिनट मैं खाली बोल रहा हूँ why I'm telling this मैं भी अभी जो लिखा ना मैं भी वही format में लिखा क्यों मेरे गाने से किया ना तो वो भूलने का चांस ही नहीं है वो सब आएगा एग्जाम में लेकिन आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते जाते हो ना तो लिमिट का कंफ्यूजन इधर का कंफ्यूजन ये 50 उधर लिख देगा 20 इधर आ जाएगा 40 कहीं लिख देंगे बीच में नहीं है तो भी वो सब आएगा प्रॉब्लम क्लियर है तो ट्यून गाने का आराम से खा मेरे साथ 1 2 3 स्टार्ट एल ओ एस ऑल पुक 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 पी बी फ्रॉम एफवीपी 50-10-50 एल ओ एस ऑल पुक 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 P B from FVP 50-10-50 L O S all पुक 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 P B from FVP 50-10-50 आएगा आराम से इजी टू अंडरस्टैंड क्लियर है ठीक है अभी इतना किया एक रीडिंग का पार्ट खत्म करते हैं अभी तक उन्होंने पूरा वो PUT में जा रहे थे लेट्स सी द मेन पार्ट एंड लेट्स रिवाइज आज जो भी किया वो रीडिंग करते करते हो ही जाएगा रिवीजन बोल अलग फॉर्म है मेरे वैसे बेचारे को क्यों काम ना मिले नहीं उन्होंने बोला है नेटवर्क ऑफ फॉर्म्स उन्होंने वर्ड यूज किया नेटवर्क ऑफ फॉर्म्स मैं उसके नेटवर्क ऑफ फॉर्म्स में नहीं हूं मैं उसके फॉर्म में पार्टनर नहीं हूं उसका अलग फॉर्म है उल्टा सोच अगर मैं मुंबई में मेरा सीए फॉर्म है उसका सीए फॉर्म दिल्ली में उसका सीए फॉर्म दिल्ली में हम लोग तो जुदा है मतलब क्या 20 साल से बात नहीं किया झगड़ा चल रहा है खानदान में मेरा सगा भाई है लेकिन बात नहीं कर रहा ऐसा चल रहा मेरे को अपॉइंट किया एक फर्म ने मैंने काम किया अभी नेक्स्ट उसको अपॉइंट किया और वो काम कर रहा है अफेक्ट होगा क्या नहीं होगा क्योंकि कोई नाता ही नहीं है तो टेंशन नहीं है वैसे सोच क्लियर है कर सकते हैं लेकिन वो कंपनी वैसे अपॉइंट करना जरूरी नहीं है ना कंपनी वो लुखे भाई को भी अपॉइंट करेगा जिसने बरोबर काम कर रहा नहीं है तो अगर वो अच्छा काम कर रहा रहेगा तो अच्छी बात है उसको पहले भाई को पहले सीए होना चाहिए वो केपेबल होना चाहिए तो कंपनी उसको अपॉइंट करेगा तो केपेबल रहेगा तो ही अपॉइंट करेगा ऐसे किसी को अपॉइंट ना करेगा कंपनी ऐसे भी तो है अच्छा और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है शेयर होल्डर्स कर रहे हैं
पार्ट डायरेक्टर तो ना कर रहा, वो भी थोड़ा मैटर. देयर सी एवरी ऑल द क्राइटेरियाज. एटलीस्ट कुछ तो उन्होंने रोक डाला, नहीं तो कितने कंपनी का 20-20 30 साल से सेम ऑर्डर ही काम करते. वैसे अभी कुछ तो एक अच्छा स्टॉप डाला है. दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव.